हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेप्लिकेटिंग माइंड्स वंस अगेन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल डिवीजन के बारे में, है ना। सेल डिवीजन में हम पढ़ेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन किस किस टाइप से हो सकता है। मेनली जो माइटोसिस और मियोसिस है वो पढ़ना है हमको, है ना, जो कि यूकैरियोटिक सेल डिवीजन होता है, राइट। तो वी विल फोकस ओनली ऑन यूकैरियोटिक सेल डिवीजन, दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। फिर हम पढ़ेंगे कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर अबाउट द सेल डिवीजन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में, और आई नो कि ये टॉपिक बहुत लोगों को समझना था, बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो फाइनली मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक को बहुत फुर्सत से, बहुत आराम से पढ़ाया जाए, ताकि आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाए ये कंसेप्ट, कौन सा, सेल डिवीजन। ओके, तो देखो, सेल डिवीजन शुरू करने से पहले एक बात कहूँगा कि ये जो लेक्चर है मैंने बहुत ही तसल्ली से बैठकर बनाया है आप सबके लिए, है ना, और एक एक डिटेल इसमें मैंने इंक्लूड की है, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर पाओ, और ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि कनेक्शन हो, सारे लिंक्स बने, राइट। क्योंकि सेल डिवीजन जो प्रोसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज अबाउट द सेल डिवीजन। तो सबसे पहले सेल डिवीजन होता क्या है, है ना। तो सेल डिवीजन इज ए प्रोसेस बाय विच ए पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर डॉटर सेल्स। ये आपको ऑलरेडी पता है, ये तो बेसिक डेफिनेशन है सेल डिवीजन की, कि एक सेल दो या दो से ज्यादा सेल्स में जब डिवाइड हो जाता है डॉटर सेल्स में, तो उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है सेल डिवीजन, है ना। अब ये सेल डिवीजन इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सेल डिवाइड सो दैट लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। हमारे ग्रोथ के लिए जितने भी लिविंग थिंग्स प्रेजेंट हैं इस अर्थ पे, इस प्लैनेट पर, उनकी ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, है ना, राइट। और धीरे धीरे आप देखोगे कि हमारी ग्रोथ होती चली जाती है। तो ये पॉसिबल किस वजह से हो पाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्स जो होती हैं वो कम्प्लीटली कंटिन्यूसली क्या होती हैं, रेप्लिकेट होती रहती है। तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। जैसे जैसे हमारी बॉडी में ग्रोथ होती चली जाती है, तो नंबर ऑफ सेल्स क्या होती चली जाती है, इंक्रीज होती चली जाती है, उसकी वजह से ही ग्रोथ पॉसिबल हो पाता है, है ना। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, क्या, कि जो ग्रोथ होती है हमारी बॉडी में वो होती है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स, नॉट बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द सेल। सेल का तो एक डेफिनेट साइज होता है, जिस साइज पर आके उसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती रहती है लगातार हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ग्रो होती रहती है, और एक स्पेसिफिक टाइम पर आकर, एक स्पेसिफिक एज पर आकर बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन वो फिर वो एक अलग प्रोसेस है, राइट। तो बॉडी की ग्रोथ क्यों होती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते चले जाते हैं ड्यूरिंग द ईयर्स, नॉट इंक्रीजिंग द सेल ऑफ साइज ऑफ सेल। ये बात आपको याद रखनी है, ओके। अब सिर्फ बॉडी की ग्रोथ में ही सेल्स का रेप्लिकेशन होता है या सेल का डिवीजन होता है, तो ऐसा नहीं है, है ना। सेल्स क्या करती हैं, जो ऐसा नहीं कि जो सेल एक बार बॉडी में बन गई, ओरिजिनेट हो गई, एग्जिस्टेंस में आ गई, ऐसा नहीं कि वो सेल बॉडी में हमेशा रहती है हमारे मरने तक, ऐसा नहीं है। सेल्स बनती हैं और मरती भी हैं, मतलब सेल में डैमेज भी होता है, ओके। कुछ सेल्स में डैमेज होता है तो उन सेल्स को निकाल दिया जाता है, मतलब उनका एपोप्टोसिस करवा दिया जाता है। एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम सेल डेथ। तो वो जो सेल कम हुई है बॉडी में उसको कंपनसेट कौन करेगा, नई सेल्स, ओके। तो जब सेल्स डैमेज हो जाती है तो उनको रिप्लेस करने के लिए भी सेल डिवीजन होता है। उसके बाद जो सेल्स डेड, जिन सेल्स की डेथ हो जाती है, डेड सेल्स, उनको रिप्लेस करने के लिए भी सेल डिवीजन होता है। तो सेल्स डिवाइड टू रिप्लेस द ओल्ड डैमेज्ड एंड डेड सेल्स ऑल्सो। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दूं मैं, तो जो हमारी स्किन होती है, हमारी स्किन पे से रोज मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स शेड होती है, हमारी स्किन से उतरती रहती है सेल्स,
तो वो जो रोज इतनी सेल्स उतर रही है उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए नई सेल्स का भी डिवाइड होना जरूरी है। तो यहां से आपको ये समझ में आया होगा कि जो सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो एक क्रिटिकल प्रोसेस है फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एज वेल एज फॉर द अदर फंक्शन ऑफ द बॉडी। ओके, समझ रहे हो इसको, है ना। तो इसके बाद आप देखो कि क्वेश्चन ये आता है कि हाउ सेल्स डिवाइड, अब सेल्स डिवाइड कैसे करते हैं। ओके, तो देखो जो सेल्स हमारी बॉडी में, मेनली जो सेल्स को हमने डिवाइड किया हमारी बॉडी में, मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया है? तो एक होती है वेजिटेटिव सेल्स और दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स, है ना। वेजिटेटिव सेल्स को आप सोमैटिक सेल्स भी बोलते हो। कौन से सेल्स बोलते हो? कौन से सेल्स बोलते हो? सोमैटिक सेल्स बोलते हो। ओके, है ना। तो दो टाइप की सेल्स होती है मेनली बॉडी में, वैसे बहुत सारी टाइप्स की होती है लेकिन हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन। तो दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? वेजिटेटिव सेल्स या बोल सकते हो सोमैटिक सेल्स, और दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो जो हमारी बॉडी की जो नॉर्मल ग्रोथ है ना, जो भी ग्रोथ है, या जैसे मैंने बोला कि जो डेड सेल्स को रिप्लेस करना हो गया, डैमेज सेल को रिप्लेस करना हो गया, ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करना हो गया, वहां पे क्या होता है कि वेजिटेटिव सेल का डिवीजन होता है जिसको आप बोलते हो सोमेटिक सेल्स। लेकिन जब बात आती है रिप्रोडक्शन की, जब बात आती है अपना वंश आगे बढ़ाने की, अपना ऑफस्प्रिंग दुनिया में लेकर आने की, बच्चे पैदा करने की, तब वहां पे कौन से सेल्स काम आती हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स, समझ रहे हो। अब दोनों ही टाइप की जो सेल्स हैं इन दोनों का डिवीजन अलग अलग तरीके से होता है। कैसे? तो जो वेजिटेटिव सेल डिवीजन होती है, सबसे पहले तो ये जानो कि उसको एक स्पेसिफिक टर्म दिया हुआ है जिसको आप बोलते हो माइटोसिस, और जो रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन होता है उसको एक स्पेसिफिक टर्म दिया हुआ है और वो है मियोसिस। आपने ये नाम बहुत बार पहले सुना होगा, है ना। बहुत सारे लोगों को आपको माइटोसिस मियोसिस के बारे में सब कुछ पता होगा, डिफरेंसेस पता होंगे, लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई बार इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, या समझ में नहीं आता कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है या इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है ना। तो आज सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ओके, तो चलो एक एक करके हम देखते हैं कि माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइटोसिस की। तो जैसे कि मैंने बताया, माइटोसिस कौन से सेल्स में होगा? सोमैटिक सेल्स में, यानी वेजिटेटिव सेल्स में, यानी वो सेल्स जो बॉडी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करती है, राइट। तो यहां पर क्या होता है, जब माइटोसिस होता है ना, उसमें क्या होता है कि ईच डॉटर सेल इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। यहाँ पे क्या होता है कि जैसी पेरेंट सेल होती है बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल रेप्लिका उसी का, जो डॉटर सेल्स होते हैं उसी के बिल्कुल हूबहू होते हैं। किसके? अपने पेरेंट सेल के हूबहू होते हैं। कौन? डॉटर सेल। किसमें? माइटोसिस में, है ना। जैसा जेनेटिक कंटेंट पेरेंट सेल का होगा, एग्जैक्टली जेनेटिक कंटेंट डॉटर सेल्स का भी होगा। ये बात आप याद रखना, बाकी धीरे धीरे आगे चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो हम इनको क्या बोल सकते हैं? दे आर द रेप्लिका ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के रेप्लिका हो गए, है ना। इसके बाद ये जो होता है वो होता है इक्विटेशनल डिवीजन, है ना। इक्विटेशनल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितना पेरेंट सेल में होते हैं उतना ही डॉटर सेल्स में भी होते हैं। दोनों के दोनों डॉटर सेल्स में उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, है ना। कैसे? मान लो कि हमारे हमारे सेल्स में अगर बात की जाए, हमारे बॉडी का कोई भी एक सेल आप उठा के देखो तो उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मतलब कितने क्रोमोसोम टोटल? टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, है ना। तो जब ये सेल डिवाइड होगी तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम आएगा और इसमें भी 46 क्रोमोसोम आएगा। मतलब कि जो डॉटर सेल्स बनी माइटोसिस के बाद, उनमें सेम जेनेटिक कंटेंट, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम था जितना पेरेंट सेल में था, इसलिए इसको बोला जाता है इक्विटेशनल डिवीजन, इक्वल डिवीजन, है ना। जितना जीनोमिक कंटेंट पेरेंट सेल में उतना ही जीनोमिक कंटेंट डॉटर सेल में, राइट। इसके बाद देखो, हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन पेरेंट सेल, ये बात आपको समझ में आ गई, है ना। अभी और अच्छे से समझ में आ गया जब हम बहुत अच्छे अच्छे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से इस
लेक्चर को समझेंगे, माइटोसिस को समझेंगे, मियोसिस को समझेंगे। ओके, तो थोड़ा सब्र रखो, अभी एक बैकग्राउंड क्रिएट किया जा रहा है आपके लिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, राइट। चलिए इसके बाद देखो, जैसे कि मैंने बताया जो माइटोसिस होता है, इट इज गुड फॉर बेसिक ग्रोथ रिपेयर एंड मेंटेनेंस। बेसिक ग्रोथ, जो बेसिक ग्रोथ है बॉडी की, जैसे हम बड़े हो रहे हैं बचपन से लेकर अभी तक हम बड़े हो रहे हैं, बचपन में कितने छोटे थे, छोटे छोटे हाथ थे, छोटे छोटे पैर थे, छोटे छोटे मुंह, आंख कान सब छोटे छोटे थे। आज देखो जितना बड़ी जितनी जितना जितने जितना बॉडी आपका, मतलब जिस साइज का आपकी पूरी बॉडी थी, आज उस साइज का सिर्फ आपका फेस है। तो ये पॉसिबल कैसे हो पाया? इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन, है ना। तो बेसिक ग्रोथ में, सेल रिपेयर में, जो सेल डैमेज हो गई उसको रिपेयर करने में, यानी उसको हटा के एपोप्टोसिस करा के नई सेल आने में, या मेंटेनेंस करने में सेल डिवीजन होता है, कौन सा? माइटोसिस। ओके, इसके बाद यहां पर देखते हैं कैसे, जैसे ये है मान लो पेरेंट सेल। ओके, तो जो इससे जो डॉटर सेल्स बनेंगी एग्जैक्टली इसी की तरह होंगी, एग्जैक्टली का मतलब जितना जीनोमिक कंटेंट इसमें होगा, मान लो कितना था 46, तो इसमें भी कितना होगा 46 होगा, समझ रहे हो? बिल्कुल एग्जैक्टली पेरेंट की तरह, उसको क्या बोला जाता है? माइटोसिस बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद अब हम समझेंगे मियोसिस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखो मियोसिस में क्या होता है कि पेरेंट सेल डिवाइड इंटू फोर डॉटर सेल्स, ये बात है ध्यान रखने वाली कि मियोसिस में क्या होता है कि जो डॉटर सेल्स होती है वो फोर, एक सेल से चार डॉटर सेल्स बनती हैं। माइटोसिस में एक सेल से दो डॉटर सेल्स बन रही थी, समझ रहे हो? उसके बाद मियोसिस में क्या होता है कि ऑल डॉटर सेल्स हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिफरेंस एक है, क्या है कि जैसे पेरेंट सेल में, यह है मान लो पेरेंट सेल, इसमें 46 क्रोमोसोम थी, तो जितनी भी डॉटर सेल्स बनेंगी, मतलब चार डॉटर सेल्स जो बनेंगी, 1, 2, 3, 4, सब में कितने कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 का हाफ 23, 23, 23, 23, समझ रहे हो इस चीज़ को? इसीलिए, और ये जो मियोसिस है इसको, ये इम्पॉर्टेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पहले, है ना। जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तब मियोसिस होता है। रिप्रोडक्टिव सेल में कौन सा प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का? उसको बोलते हो मियोसिस, है ना। अब यहाँ पर देखो एक पॉइंट शायद मैंने मिस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमोसोम का कंटेंट है वो हाफ हो जाता है, है ना, डॉटर सेल में, तो इसलिए इसको बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन। ओके, रिडक्शनल डिवीजन। ओवरऑल मियोसिस को क्या बोला जाता है? रिडक्शनल डिवीजन, राइट। इसके बाद देखो एग्जांपल यहां पर समझाता हूं मैं आपको, ये है मान लो पेरेंट सेल। ओके, तो यहां पर इस पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम थे? इसमें थे 46 क्रोमोसोम। ओके, इसके बाद यहां पर जो ये जो दो डॉटर सेल्स बनी, इन दोनों डॉटर सेल्स में 23 क्रोमोसोम जाएंगे, है ना, देख रहे हो हाफ हो गया क्रोमोसोम नंबर। अब जो इससे जो डॉटर सेल्स बनेंगी, इनसे जो डॉटर सेल बनेंगी दोबारा, यहाँ पर इक्विटेशनल डिवीजन होता है, मतलब जितने यहाँ पर पेरेंट सेल में उतने ही इधर 23। लेकिन जो फाइनली आप ओवरऑल देखोगे, इस पेरेंट सेल से कंपेरिजन करोगे इस इन डॉटर सेल्स का, इन डॉटर सेल्स का, तो सब में कितना है? 23 क्रोमोसोम, मतलब हाफ ऑफ द पेरेंट ऑफ पेरेंटल क्रोमोसोम, समझ रहे हो? तो ये है मियोसिस का प्रोसेस। ओके, इसके बाद अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जो कि माइटोसिस के बारे में। हम समझते हैं कि माइटोसिस क्या होता है, हर एक स्टेप को हम क्लियर कर करके आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं माइटोसिस से। ओके, यहां पर देखो कि माइटोसिस क्या है। माइटोसिस में हम स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल का मतलब क्या है कि जैसे माइटोसिस का मतलब आपको समझ में आ ही चुका है कि माइटोसिस क्या है, एक तरीके से सेल डिवीजन है, है ना। एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रही है, वो क्या है? माइटोसिस है, है ना। माइटोसिस किस में होता है? सोमेटिक सेल्स में होती है या वेजिटेटिव सेल्स में होती है, राइट। तो अब सेल साइकिल को आप समझो। ओके, तो यहाँ पर सेल साइकिल का मतलब क्या है? जर्नी ऑफ ए सेल फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू इट्स डिवीजन इनटू डॉटर सेल। इसका मतलब समझो, मान लो ये सेल थी, ये मान लो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल है ये,
इस पेरेंट सेल का मान लो यहां पर डिवीजन हो गया और ये हो गई डॉटर सेल्स बन गई, ये क्या बन गई डॉटर सेल्स। अब ये न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स है, न्यू डॉटर सेल्स है, है ना। तो अब देखो कि ये जो डॉटर सेल्स बनी है इस डॉटर सेल को भी तो डिवाइड होना होगा दो में, समझ रहे हो। तो ओरिजिन से लेकर यहां पर क्या हुआ, ओरिजिन एक सेल का, ये एक सेल इसका ओरिजिन हुआ। ओरिजिन से लेकर डिवीजन तक का जो सफर होता है उसको बोला जाता है सेल साइकिल, है ना। यहां से लेकर ओरिजिन से लेकर डिवाइड होने तक इस सेल साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ओके, वो हम जानेंगे, राइट। तो देखो वन सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू मेनली टू फेसेस। एक सेल साइकिल में जब एक सेल अपना साइकिल कंप्लीट करती है, साइकिल का मतलब जैसे हम है, मान लो देखो आप अपने आप को रिलेट करो सेल से, जैसा सेल बिहेव करती है वैसा ही हमारी बॉडी बिहेव करती है, क्यों, क्योंकि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। जैसा सेल का नेचर है वैसे ही हमारा सेल है, सेल भी एक दिन ओरिजिन हुई थी, हर एक सेल का कभी ना कभी ओरिजिन होता है, है ना, बनती है नई सेल, और वो सेल कभी ना कभी मरती जरूर है, उस सेल की डेथ जरूर होती है। तो जीवन से लेकर मृत्यु तक किसी भी सेल के, फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ टू द टाइम ऑफ डेथ, ये क्या होता है, एक साइकिल होता है सेल का। वैसे ही हमारा होता है, हम जब जन्म लेते हैं, जब हमारा बर्थ होता है तब से लेकर जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती, हम मर नहीं जाते, तब तक हम क्या करते हैं, अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, लाइफ साइकिल। वैसे ही सेल साइकिल, समझ रहे हो। तो ये जो सेल साइकिल होती है, बॉर्न से लेकर डेथ तक का जो पूरा साइकिल होता है, उसको मेनली सेल में दो फेसेस में डिवाइड किया है। कौन कौन से फेसेस, पहला होता है इंटरफेस, दूसरा होता है एम फेस। एम फेस को ही बोला जाता है माइटोटिक फेस या माइटोसिस, ओके। तो अब ये इंटरफेस क्या है और एम फेस क्या है, यहां पर समझो। इंटरफेस क्या होता है, इट इज द पीरियड बिटवीन सेल डिविजन वेयर सेल ग्रोज एंड इंगेजेस इन वेरियस मेटाबोलिक एक्टिविटीज। देखो ये जैसे मान लो ये नई डॉटर सेल बनी, है ना, डिवीजन के बाद मान लो ये पेरेंट सेल थी और यहाँ से दो डॉटर सेल्स बना दी, ये नया नई डॉटर सेल्स है, है ना। अब इस डॉटर सेल को भी तो डिवाइड होना होगा दो में, है ना, ये तो हमने समझा अभी। तो ओरिजिन से लेकर डिवीजन तक के बीच में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ओके, उसके बाद सेल की ग्रोथ भी होती होगी। तो ये जो इंटरफेस है ये पूरा क्या होता है, ये पूरा क्या होता है, ओरिजिन से लेकर डिवीजन तक क्या होता है, इंटरफेस, है ना। इंटरफेस इज द पीरियड बिटवीन सेल डिवीजन। एक बार डिवीजन यहां हुआ, डिवीजन होने के बाद डॉटर सेल बनी, अब इसका जब फर्दर डिवीजन होगा उसके बीच में जो ये पूरा फेज आ रहा है उसको बोला जाता है इंटरफेस। और इस फेज के बीच में ये जो डॉटर सेल बनी है वो ग्रो होती है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब किसी भी सेल के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, मेनली अगर बात करें तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बहुत सारे प्रोसेस, जिस टाइप की सेल उस टाइप की एक्टिविटी। कोई भी सेल फर्दर डिवाइड होने से पहले ये सारी एक्टिविटी करती रहती है, समझ रहे हो। और ये सारी एक्टिविटीज मतलब ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन कहाँ हो रहा है, इंटरफेस में, समझ रहे हो। तो इंटरफेस क्या है, इट इज द पीरियड बिटवीन सेल डिवीजन वेयर सेल ग्रोज एंड इंगेजेस इन वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, राइट। अब इंटरफेस जब कंप्लीट होता है तो कौन सा फेस आता है, एम फेस, दैट इज माइटोटिक फेस। अब ये माइटोटिक फेस क्या है, इट इज द एक्चुअल पीरियड ऑफ सेल डिवीजन। इंटरफेस जैसे ही कंप्लीट होता है किसी भी साइकिल का तो आ जाता है एम फेस, मतलब अब सेल के डिवाइड होने का टाइम आ चुका है, समझ रहे हो, समझ में आ गया। तो ये है दो फेसेस सेल के, इंटरफेस सेल साइकिल के, इंटरफेस और एम फेस। इंटरफेस में आप बोल सकते हो कि सेल पूरी जिंदगी सेल अपने आप को तैयार करती रहती है, किस चीज के लिए, डिवाइड होने के लिए, फाइनली कब, जब एम फेस आता है ना। मान लो यहाँ पर ये सेल का नया ओरिजिन हुआ,
यहाँ से ये पूरी जिंदगी ट्रैवल करती रही, अपनी पूरी जिंदगी कंप्लीट होती रही यहाँ तक, एम फेस तक, है ना। ये इंटरफेस था, इंटरफेस पूरी जिंदगी इंतजार करती रही, क्यों? डिवाइड होने के लिए, है ना, दो सेल पे। तो एम फेस जैसे ही आता है सेल डिवाइड हो जाती है, उससे पहले सेल अपने आप को तैयार करती रहती है, मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेल ग्रोथ, जो भी मैंने आपको चीजें बताई। ओके, तो ये हैं दो इम्पोर्टेंट फेज। अब इसको जरा आप जब आप डायग्राम के थ्रू देखोगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखो ये डायग्राम, देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सेल में मेनली दो फेज होते हैं, कौन कौन से? एक तो इंटरफेस और एक एम फेस, है ना। तो देखो ये पूरा जो है, ये पूरा सेल का क्या है, इंटरफेस, यहां से लेकर शुरू होता है और यहां तक पूरा क्या चल रहा है सेल का, इंटरफेस। जैसे ही यहां पर इंटरफेस इंटरफेस खत्म होता है तो कौन सा फेस आ जाता है, एम फेस, दैट इज माइटोसिस, है ना। देख रहे हो पूरी मतलब ये पूरा लाइफ है सेल का, और इंटरफेस देख रहे हो कितना लंबा होता है, सेल में जो इंटरफेस होता है वो काफी लेंदी होता है, और माइटोसिस फेस दैट इज एम फेस वो बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि वहां पर सेल को बस डिवाइड हो जाना होता है, राइट। तो यहाँ पर देखो इंटरफेस को फर्दर डिवाइड करते हैं G1 फेस में, S फेस में और G2 फेस में, राइट। और एम माइटोसिस फेस को भी फर्दर डिवाइड करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं यहाँ पर अच्छे से। यहाँ पर जो इंटरफेस है इट इज डिवाइडेड इंटू G1 फेस जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फेस जो कि आप यहां देख सकते हो, और G2 फेस, राइट। तो देखो जैसे कि हमने बात की थी कि इंटरफेस में सेल क्या करती है, सेल की ग्रोथ होती है, सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है। तो कौन कौन सी एक्टिविटी कब कब होती है, तो सबसे पहले जो फेज होता है वो होता है G1 फेस, राइट। G1 फेज में क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है, सेल ग्रोज एंड कैरीज आउट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट, ऑर्गेनल मतलब सेल ऑर्गेनल, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, पर ये सब है ना, अगर प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनल्स हैं। ये सब क्या होता है, इनका डुप्लीकेशन होता है, मतलब G1 फेस में सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होता है। जैसे ही सेल S फेस में एंटर करती है, S फेस का मतलब सिंथेसिस फेस, और यहाँ पर DNA का रेप्लीकेशन होता है। S फेस में किसका रेप्लीकेशन होता है, DNA का, DNA एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, मतलब यहाँ पर अगर एक DNA है तो एक DNA से कितने DNA बन जाते हैं, दो DNA, समझ रहे हो, समझ रहे हो इस चीज को। तो सेल के अंदर कितने DNA होते हैं, एक सेल के अंदर, ह्यूमन सेल के एग्जांपल ले लो, कितने DNA होते हैं टोटल, 46 क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम अगर हम बात करें। तो अब आप समझो धीरे धीरे ये सेल किस तरफ अग्रसर हो रही है, अग्रसर इन द सेंस किस तरफ मूव कर रही है, माइटोसिस की तरफ। माइटोसिस में सेल को डिवाइड होना होता है ना, और माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनमें एग्जैक्टली सेम डीएनए कंटेंट जाता है जितना पेरेंट सेल में था, मतलब पेरेंट सेल में 46 क्रोमोजोम होते हैं तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें भी 46 क्रोमोजोम जाएगा। इसका मतलब एक सेल से दो सेल बनेगी और दोनों में 46 46 क्रोमोजोम जाएगा, लेकिन पेरेंट सेल में भी तो 46 क्रोमोजोम ही था। इसका मतलब इस 46 क्रोमोसोम का पहले रेप्लिकेशन होना होगा, मतलब 46 × 2, इस एक बार रेप्लिकेट करेगा तो और 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे। तो वो कहाँ पर होता है, वो होता है एस फेस में, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और जो 46 क्रोमोसोम होते हैं उससे डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है, हो जाता है 92। डीएनए का कंटेंट याद रखना, मैं कंटेंट बोल रहा हूँ, नंबर नहीं बोल रहा, इन दोनों के बीच में आगे हम क्लियर करेंगे, राइट। अब जब डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पर हो गया है, डीएनए का कंटेंट डबल हो गया है, कंटेंट डबल हो गया है मतलब जितना डीएनए पहले था उसका एग्जैक्टली डबल अमाउंट ऑफ डीएनए है इस सेल में, राइट। अब क्या होता है, ये सेल एंटर करती है G2 फेस में, जहां पर सेल और ग्रो करती है एंड प्रिपेयर फॉर माइटोसिस। G2 फेस में G2 फेस में एग्जैक्टली सेल क्या करती है, प्रिपेयर करती है खुद को माइटोसिस के लिए। माइटोसिस क्या होता है, सेल डिवीजन, मतलब अब फाइनली ये तैयार है G2 फेस में डिवाइड होने के लिए, ये वाली सेल, ये जो सेल है ये G2 फेस में फाइनली डिवाइड है, ओके, माइटोसिस के लिए, राइट। अब देखो माइटोसिस में कौन कौन से फेसेस होते हैं, तो माइटोटिक फेस इज डिवाइडेड इंटू प्रोफेस, ओके, मेटाफेस,
एनाफेज और टीलोफेज, राइट। तो यहाँ देखो प्रोफेज आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, मेटाफेज यहाँ नजर आ रहा होगा, एनाफेज टीलोफेज, यहाँ पर एक स्टेज और देखने को मिलता है जिसको आप बोलते हो प्रो मेटाफेज, बट मेनली ये चार इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज और मेटाफेज के बीच में एक और स्टेप होता है उसको बोलते हो प्रो मेटाफेज, वो जस्ट मेटाफेज से पहले वाला स्टेप होता है, ओके। मतलब आप बोल सकते हो अर्ली मेटाफेज बोल सकते हो, राइट। और जैसे ही टीलोफेज खत्म होने वाला होता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल का डिवीजन। अब ये जो सेल थी पूरी, इसका डिवीजन हो जाएगा दो अलग अलग सेल्स में, साइटोकाइनेसिस में, ओके। तो ये एक ओवरव्यू आपको मिल गया होगा माइटोसिस का। तो अब हम देखते हैं कि सेल साइकिल जब स्टार्ट होती है और स्टार्ट होने से लेकर एंड तक बीच में क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स आते हैं, और एक हर एक स्टेप को बहुत ही आराम से समझेंगे कि हर एक स्टेप में क्या इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो यहां पर सबसे पहले एक सेल साइकिल का ओवरव्यू दूंगा आपको, है ना। देखो द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन इन मोस्ट ऑफ द हायर यूकेरियोट्स इज 18 to 24 hours। ध्यान रखना ये एक एवरेज टाइम है, ओके। अब डिपेंड, ये जो टाइम है ये वरी भी कर सकता है सेल टू सेल, कुछ कुछ सेल्स इससे जल्दी भी डिवाइड हो जाती है, कुछ कुछ सेल्स को कई दिन लग सकते हैं, कई हफ्ते या कई महीने भी लग सकते हैं डिवाइड होने में, है ना। तो डिपेंड करता है किस टाइप की सेल्स हैं, जैसे कि नॉर्मल जो एपिथेलियल सेल्स हैं या स्किन सेल्स हैं, जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो जल्दी जल्दी डिवाइड होती हैं, है ना। और जो न्यूरोनल सेल्स हैं उनको उनके डिविजन में काफ़ी टाइम लगता है ना, कई दिन या हफ्ते भी लगते हैं या महीने भी लगते हैं, तो डिपेंड करता है। बट जो एवरेज टाइम निकाला गया है वो है 18 to 24 hours कि इस ड्यूरेशन में एक सेल से दो डॉटर सेल्स बन जाती है, ओके। अब इसमें जो जैसे मैंने आपको बताया कि मेनली दो फेसेस होते हैं, इंटरफेस और माइटोसिस फेस या माइटोटिक फेस, एम फेस। तो इन दोनों में से जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस इज द शॉर्टेस्ट पीरियड इन कंप्लीट सेल साइकिल, ओके। इसके बाद अब अगर हम बात करें इंटरफेस की, इंटरफेस में कितने फेस होते हैं, तीन फेस, कौन कौन से, जी वन और जी टू के बीच में एस फेस आता है, तो जी वन फेस, एस फेस और जी टू फेस। अगर हम स्पेसिफिकली इंटरफेस की बात करें तो याद रखना, अगर क्वेश्चन ऐसा कोई आता है कि इंटरफेस में कौन सा फेस सबसे छोटा होता है, तो वो होता है जी टू फेस। जी टू फेस इज द shortest phase in interphase, okay. Cells divide in response to external stimulus in the form of growth factors. Obvious सी बात है, cell की growth जब तक नहीं होगी, जब तक वो अपने आप को prepare नहीं करेगा division के लिए, तो वो divide कैसे होगा, और growth के लिए, division के लिए growth factors की ज़रूरत पड़ती है, okay. ये growth factors और जो regulators होते हैं ये हम तब पढ़ेंगे जब हम discuss करेंगे cell cycle regulation, वो हम नेक्स्ट या किसी और लेक्चर में इंक्लूड कर लेंगे, है ना। इन एब्सेंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स सेल्स रिमेन इन जी नॉट फेस बट द सेल रिमेन्स मेटाबॉलिक एक्टिव, है ना। जी वन फेस शुरू होने से जस्ट यहाँ पर पहले किसी किसी सेल में जी नॉट फेस एग्जिस्ट करती है, है ना। तो जब सेल को ग्रोथ फैक्टर्स नहीं मिलते तब तक सेल वेट करती है, कहाँ पर, जी नॉट फेस में, लेकिन वहां पर वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, बट अपनी सेल साइकिल को एक तरीके से रोक के रख लेती है, ओके। इसके बाद अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन फेस की। तो जीवन फेस में क्या होता है, जीवन फेस में सब, जीवन फेस क्या है एक्चुअली, इट इज द इंटरवल बिटवीन डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। ये क्या है, इट इज द इंटरवल बिटवीन सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो देखो जी वन फेस, ध्यान से देखना जी वन फेस। देखो एक तो आप इसका सीक्वेंस याद रखना सेल साइकिल का, ओके। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही सिंपल सा पूछ लेते हैं कि सेल साइकिल का सीक्वेंस क्या होता है, तो वो भी याद नहीं रहता हमको, है ना। तो ऐसा मत करो, ऐसा अत्याचार मत करो, बहुत सिंपल सिंपल चीजें जो आपको याद रखनी चाहिए। तो सबसे पहले जी वन फेस, फिर आता है एस फेस, फिर आता है जी टू फेस और फिर आता है एम फेस। तो ये है सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल,
G1S G2M, सिंपल है, G1S G2M याद हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे G1 की, इसके बाद हम बात करेंगे कि S में फेस में क्या होता है, फिर G2 फेस में क्या होता है, और M फेस में क्या होता है। तो एक एक करके समझेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए, है ना। कंप्लीट लाइफ साइकिल समझनी है ना, तभी तो अच्छे सेल डिवीजन समझ में आएगा, राइट। तो जैसे कि आप हो, जब आप अपनी लाइफ स्टोरी किसी को बताते हो, बोलते हो यार मेरा दो साल पहले मेरे साथ एक ऐसा ऐसा कुछ हादसा हुआ था, आपको अपनी बचपन से लेकर अभी जवानी तक की सारी चीजें याद है। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी मेमोरीज, है ना। तो वैसे ही क्यों, आपकी लाइफ साइकिल की इंपॉर्टेंट मेमोरीज है, तो सेल साइकिल की भी सारे फेसेस इंपॉर्टेंट हैं और आपको पता होने चाहिए, है ना। तो जीवन फेस में क्या क्या मेमोरीज होती है सेल की, जीवन फेस में क्या क्या होता है ये समझो। जीवन फेस में क्या होता है, जीवन फेस सबसे पहले ही समझो एग्जैक्टली कहाँ पर होता है, तो इट इज द इंटरवल बिटवीन सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो सिंपल है, देखो सेल डिवीजन कहाँ पे होता है, एम फेस में, माइटोटिक फेस में, है ना, और डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, एस फेस में। इसके जस्ट बीच में यहाँ पर क्या है, जीवन फेस। तो ये चीज हमको समझ में आ गई, इंटरवल बिटवीन सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव फेस। ये जो जीवन फेस है याद रखना, इट इज द मोस्ट एक्टिव, मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव फेस ऑफ द सेल। यहाँ पर सेल की ग्रोथ भी होती है और बाकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं सेल में, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें यहाँ पर होती है, ओके। तो इसलिए मेटाबॉलिकली काफी एक्टिव होता है जीवन फेस, ओके। इसके बाद क्या है कि ये जो जीवन फेस है ये इट लास्ट फॉर 8 to 10 hours, ओके, 8 to 10 hours। जो हमने एक एवरेज सेल का, सेल साइकिल का टाइम डिसाइड दिखाया था आपको इस स्लाइड से पहले, 18 to 24 hours, उसके अकॉर्डिंग ये जो जीवन फेस है कितने घंटे तक चलता है, 8 to 10 hours तक, ओके। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स होता है, ये ऑलरेडी हमें, मैंने आपको समझा दिया था, है ना। इसके बाद देखो, सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेस। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, इसके बाद कौन सा फेस आना है, इसके बाद आना है एस फेस। एस फेस में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, है ना, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन में कितने सारे अलग अलग एंजाइम्स, प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, हेलिकेज, डीएनए गायरेज, टोपो आइसोमरेज, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, है ना, समझ रहे हो, प्राइमेज। तो वो सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स कहाँ से आते हैं, तो वो सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स जीवन फेस में ही सिंथेसाइज हो जाते हैं, इसलिए तो बोला गया है इट इज द मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव विच वन, जीवन फेस। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो प्रोसेस होने वाला है, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन इन सिंथेसिस फेज, दैट इज एस फेज, वहां पर इन सारे प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, समझ गए, ओके। अब देखो, अब यहाँ पर कुछ बातें आपको यहाँ से लिंक करते हुए आगे की तरफ चलना है, है ना। तो देखो यहाँ पर कि अभी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 46, सिंपल है ना, किसी भी सेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, आप सबको पता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम का मतलब 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम का मतलब 46 क्रोमोसोम, क्लियर। तो ये क्या है, एक तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n से, है ना। एन का मतलब क्या है, एन का मतलब होता है एक सेट, है ना, एन का मतलब क्या होता है, सेट। और यहां पर कितने सेट हैं, दो सेट हैं, है ना, मतलब एक सेट में कितने क्रोमोसोम हैं, 23 क्रोमोसोम हैं जो कि फादर से आए हैं। तो दो सेट में कितने क्रोमोसोम हो गए, 46 क्रोमोसोम हो गए, एक सेट फादर से, एक सेट मदर से, समझ रहे हो। तो 2n का मतलब यहाँ पर टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, है ना, टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, एक सेट में 23 और दूसरे सेट में 23, राइट। तो यहाँ पर दो सेट होते हैं क्रोमोसोम के, यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी 23 पेयर्स होते हैं। और ये तो हो गए नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात, अब बात करेंगे कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम, तो जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से,
राइट, ध्यान रखना। जैसे कि आपको कैसे समझाऊं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम और कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम में कभी भी कंफ्यूज मत होना। ओके, जैसे कि मान लो कि ये क्रोमोसोम है, ओके, ये पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का, होमोलोगस क्रोमोसोम का ये पेयर है, पेयर नंबर वन। ओके, वैसे ही कितने पेयर होते हैं, 2, 3, 4, ये याद करो, मैं आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें समझा चुका हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादा उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो वैसे ही करते 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 कितने पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, हर पेयर में 2 क्रोमोसोम, तो टोटल कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम हो गए, राइट। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब हम बात करेंगे कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम, तो कंटेंट भी कितना मान के चलोगे, यहाँ पर 46 ही होता है। मतलब ये जो अमाउंट है, ये क्या है, इसका कंटेंट है, ये क्या है, इसका कंटेंट है ना। अब कंटेंट डबल किस में होता है, एस फेस में। यहां पर जब हम बात करेंगे एस फेस में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो वहां पर क्रोमोसोम का कंटेंट भी डबल हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसका कंटेंट डबल हो जाएगा, हर पेयर का कंटेंट डबल हो जाएगा। जैसे कि अगर हम इस पेयर की बात करें, इस पेयर की बात करें, तो इसका कंटेंट ऐसा हो जाएगा डबल। देखो डबल हो गया, देखो इसका, इस पर्टिकुलर का, ये देखो यहां पर कंटेंट डबल हो गया, इसका कंटेंट यहां पर डबल हो गया, है ना। तो अब यहां पर कंटेंट भी 46 क्रोमोसोम के बराबर है और नंबर भी 46 क्रोमोसोम है। इसको याद रखना, इस और अच्छे समझ में आएगा जब हम एस फेस में चलेंगे, राइट। तो चलते हैं एस फेस में। ओके, अब हम बात करते हैं एस फेस की। एस फेस क्या होता है, सिंथेसिस फेस। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक बात और बता दूं, जीवन का मतलब क्या होता है, G2 का मतलब क्या होता है, M का मतलब क्या होता है। तो जीवन का मतलब होता है गैप वन, इसका होता है गैप टू, और ये तो माइटोटिक है ना। तो गैप वन क्या है, ये पहला गैप किसके किसके बीच में, एम फेस के बीच में, सेल डिवीजन के बीच में, और एस फेस के बीच में। मतलब एम फेस में सेल डिवीजन होता है, उसके बाद सेल डिवाइड हो जाती है, नई सेल बन जाती है, फिर वापस क्या शुरू हो जाता है, जीवन फेस शुरू हो जाता है। तो जीवन फेस एक्चुअली क्या है, गैप है किसके किसके बीच में, सेल डिवीजन के बीच में और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में। फिर डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है किसी भी सेल में, उसके बाद दोबारा उसका क्या होना होता है, सेल डिवीजन होना होता है, तो ये दूसरा गैप आ जाता है। तो ये जीवन G2 का मतलब गैप वन गैप टू। ओके चलो, तो यहाँ पर एस फेस की हम बात कर रहे थे। एस फेस का मतलब सिंथेसिस फेस, सिंथेसिस फेस किसका सिंथेसिस, डीएनए का सिंथेसिस। ओके, तो यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यहाँ पर हिस्टोन का सिंथेसिस होता है ना। हिस्टोन क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन जो कि क्रोमोसोम में बाउंड रहते हैं, है ना, क्रोमेटिन में बाउंड रहते हैं, है ना, न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आपने। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम। इसको समझो जरा ध्यान से, यहाँ पर अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, मतलब 46 क्रोमोसोम पहले भी थे, 46 क्रोमोसोम अभी भी रहेंगे, लेकिन जो कंटेंट था पहले क्या था, 2C था कंटेंट, मतलब वो 46 क्रोमोसोम के बराबर था। अब ये कंटेंट डबल हो जाएगा, मतलब ये कंटेंट 4C हो जाएगा, 4C का मतलब 92 क्रोमोसोम के बराबर हो जाएगा। कैसे, इसको समझो ध्यान से। एस फेस से पहले जब हम जीवन फेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर कंटेंट कैसा था, कंटेंट इस तरीके से था, ये पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का, है ना, पेयर वन, वैसे ही पेयर टू होगा, पेयर थ्री होगा, वैसे ही पेयर 23 तक होगा, राइट। अब ये था जीवन फेस में, ओके, ये किस में था, जीवन फेस में। अब जैसे ही सेल एंटर करेगी किस में, एस फेस में, एस फेस में एंटर करेगी, तो इसका कंटेंट डबल हो जाएगा, समझ रहे हो। ये जो है ना, इसका क्या हो गया,
रेप्लिकेशन हो गया, इस पूरे क्रोमोसोम का क्या हो गया, रेप्लिकेशन हो गया। तो देखो यहाँ पर एक से दो हो गए, वैसे ही इस वाले का रेप्लिकेशन हो गया, तो एक से दो हो गए, कंटेंट डबल हो गया। वैसे ही पेयर नंबर टू का, पेयर नंबर थ्री का, और ऐसे सारे 23 पेयर्स का क्या हो जाता है, कंटेंट डबल हो जाता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। देखो ये नंबर तो एक ही है, ये नंबर सेम रहेंगे, तो यहां पर क्या होता है, एस फेस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहेंगे, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा, राइट। नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 46, बट द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, और यू कैन से कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम विल बी इक्वल टू 92 क्रोमोसोम्स, इक्वल टू 92 क्रोमोसोम, राइट। उसको आप 4C से रिप्रेजेंट करोगे, कंटेंट डबल हो चुका है, राइट। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा G2 फेस। तो G2 फेस में क्या होता है, देखो G2 फेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस इन विच सेल डिसाइड टू गो ईदर फॉर डिवीजन और एपोप्टोसिस। अब देखो हम यहाँ पहुंच चुके हैं G2 फेस में, है ना। इससे पहले DNA भी रेप्लिकेट हो चुका है, मतलब DNA कंटेंट डबल हो चुका है। DNA कंटेंट डबल हो गया, इसका मतलब सेल डिवाइड करना चाहती है अपने दोनों डॉटर सेल्स में, सेम अमाउंट ऑफ DNA को भेजना चाहती है जिसका उसके जितना उसके पास खुद था, है ना। देख रहे हो कितने अच्छी पेरेंट्स हैं, कितने अच्छे पेरेंट्स हैं, जितने प्रॉपर्टी अपने पास थी उतना ही दोनों बच्चों को बराबर बराबर देना, है ना, कोई भेदभाव नहीं, है ना। अब जब इसने डिसाइड कर लिया है कि प्रॉपर्टी को दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ना, जितना मेरे पास था उतना उतना, तो इसका मतलब अब इसको डिवाइड होना है। तो अब G2 फेस में ये सेल डिसाइड करती है कि डिवीजन होना है आगे या एपोप्टोसिस के लिए जाना है। अब समझो, अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है, इस सेल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, समझ रहे हो, इस सेल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे कि एग्जांपल लो एक फैमिली है, अगर उस फैमिली में सब कुछ सही चल रहा है ना, सब कुछ भला चंगा चल रहा है, तो वो क्या करेगी, अपने बच्चों की देखरेख अच्छे से करती है, अपने सारे बच्चों का देखभाल अच्छे से करती है, जितना इनको रिसोर्सेज अवेलेबल करवाती है उतना ही दूसरे बच्चे को रिसोर्सेज अवेलेबल करवाते हैं पेरेंट्स, अगर फैमिली में सारी कंडीशंस नॉर्मल है, सब सिचुएशन नॉर्मल है, तो डिवीजन हो जाता है। डिवीजन इन द सेंस नेगेटिव में मत लेना, इन द सेंस सेम, दोनों बच्चों को सेम रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना, इस तरीके से डिवीजन। लेकिन ऐसी फैमिलीज को देखो जहाँ पर लड़ाइयाँ, झगड़े, दंगे, फसाद होते रहते हैं, जिस फैमिली में जो फैमिली खुश नहीं रहती, वो फैमिली कैसी हो जाती है, क्या हो जाती है, बिखर जाती है, टूट जाती है, समझ रहे हो। तो इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि अपनी लाइफ को सेल से रिलेट करके चलो, क्योंकि जैसा सेल का नेचर होगा वैसा ही आपका नेचर होगा। क्यों? क्योंकि आप मिलकर किससे बने हो, सेल से मिलकर बने हो, तो जैसा सेल बिहेव करेगी वैसे ही आप बिहेव करोगे। सेल में ही बिखर जाने का प्रोसेस होता है, नेचर होता है उसका, एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है, कि जब सब कुछ ठीक नहीं चलता तो उसे अच्छा बिखर जाओ। वैसे ही जब हमारी फैमिली सही नहीं चलती, हम सही से नहीं सोच पाते, समझ पाते, तो हम भी बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना। तो अब G2 फेस में सेल डिसाइड करेगी कि इसको आगे सेल डिवीजन में जाना है, या अगर इसके अंदर सब कुछ नॉर्मल नहीं है, इस सेल में कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो फिर ये सेल अपने आप को एपोप्टोसिस करवा लेती है, फर्दर डिवाइड नहीं करेगी। क्यों खामखा डिफेक्टेड सेल को डिवाइड होना है, ताकि जो डॉटर सेल बने वो भी डिफेक्टेड बने, ऐसा नहीं होना है, है ना। तो यहाँ पर ये डिसाइड करती है, या तो इसको डिवीजन के लिए जाना है, या तो इसको एपोप्टोसिस के लिए जाना है, ओके। तो डिवीजन कब होता है, जब सब कुछ नॉर्मल होता है, ऑल कंडीशंस आर नॉर्मल, देन सेल डिसाइड्स टू गो फॉर द डिवीजन। इफ ऑल द कंडीशंस आर नॉट नॉर्मल एंड देयर इज सम डिफेक्ट इन द सेल, देन इट डिसाइड्स टू गो फॉर द एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब प्रोग्राम सेल डेथ, अपनी डेथ को ये प्रोग्राम करती है कि भाई इस तरीके से मर जाना ही बेहतर है, प्रोग्राम सेल डेथ, राइट। इसलिए G2 फेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, अगर कहीं पर कुछ पूछा जाता है कि एपोप्टोसिस कहाँ पर होता है सेल में, जो प्रोग्राम सेल डेथ होता है, वो G2 फेस में डिसाइड होता है, ओके, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, इसके बाद यहाँ पर क्या करती है, सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर द डिवीजन, ये आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट क्या है, फेस एम फेस, दैट इज माइटोटिक फेस, ओके। हाँ,
फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव एमपीएफ, एमपीएफ क्या होता है, मैच्यूरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। देखो डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे सेल साइकिल रेगुलेशन, वहां पर हम इसका अच्छे से रोल पढ़ेंगे कि इसका रोल क्या होता है, कैसे मिलके बना होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। यहाँ पर बस ये समझो कि इट इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम जी टू फेज टू एम फेज, जी टू फेज से एम फेज में ट्रांजिशन, मतलब जी टू फेज से एम फेज में जाने का ये एक दरवाजा होता है क्या, एम पी एफ, है ना, उस दरवाजे को खोल के सेल एम फेज में एंटर कर जाती है। तो इट इज द, इट इज वन ऑफ द फैक्टर, मैच्यूरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर विच हेल्प्स इन द ट्रांजिशन ऑफ सेल फ्रॉम जी टू फेज टू एम फेज, राइट। ओके, तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि एम पी एफ कहाँ मिलता है, कौन से स्टेज पर मिलता है, तो याद रहेगा आपको जब सेल डिवाइड करने का सोच लेती है ना, एम फेज में जाने का सोच लेती है, तब ये एम पी एफ की जरूरत पड़ती है, तब वहां पर एम पी एफ का फॉर्मेशन होता है कहाँ पर, जी टू फेज में, है ना। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर कि यहाँ तक, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर जी वन फेज में कंटेंट भी 46 था, नंबर भी 46 था, है ना, 2C was also 46, 2N was also 46, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी 46 थे, कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम भी 46 थे, किसमें, जीवन में। एस फेस में, एस फेस में क्या हुआ, एस फेस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 46 ही थे, लेकिन कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गए थे, 92 हो गए थे। तो देखो अभी सेल तो डिवाइड हुई नहीं है, है ना, सेल तो यहाँ डिवाइड होगी साइटोकाइनेसिस में, ओके, तो अभी भी यहाँ पर इस सेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही रहेंगे और कंटेंट डबल ही रहेगा। कंटेंट डिवाइड कब होगा, जब सेल डिवाइड होगी, तो यहाँ पर भी कंटेंट 92 रहेगा, कंटेंट 92 रहेगा, राइट। तो देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 46, दैट इज इक्वल टू 2n, और कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू 92, 92 इज इक्विवेलेंट टू द डबल कंटेंट, है ना, मतलब कि यहाँ पर जो कंटेंट है वो डबल हो चुका है, मतलब 46 × 46 डबल क्रोमोसोम, डबल जीनोम के हिसाब से यहाँ पर कंटेंट अवेलेबल हो चुका है, क्योंकि सेल अब डिवाइड होने के लिए तैयार है। ओके, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ, मजा आएगा, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ, है ना, उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया लोगों ने कि एम फेज की सेल को, एम फेज की सेल कौन सी होती है, माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज की सेल्स, माइटोटिक फेज की सेल्स को उन्होंने फ्यूज कराया अलग अलग फेज की सेल्स के साथ, मतलब ऐसी सेल्स के साथ जो कि जीवन फेज में थी, ऐसी सेल्स के साथ जो कि एस फेज में थी, और ऐसी सेल्स के साथ जो कि जी टू फेज में थी, समझ रहे हो। तो जब सेल्स अलग अलग फेज में होती हैं, तो उसमें जो डीएनए का अरेंजमेंट होता है, क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होता है, जीनोम का अरेंजमेंट होता है, उसका भी अलग अलग टाइप से अरेंजमेंट होता है, है ना, क्योंकि एस फेज में आपको पता है कि सेल डिवीजन होती है, सॉरी डीएनए रेप्लिकेशन होता है, किसमें, किसमें होता है, एस फेज में। तो अब देखो आप सोचो कि सेल के अंदर, जैसे मान लो ये सेल है, ओके, और ये उसका न्यूक्लियस है, अब इसमें पहले 46 क्रोमोसोम के बराबर कंटेंट था, अब इसमें एस फेस जब आया तो उसमें 92 क्रोमोसोम के बराबर कंटेंट हो गया, लेकिन जगह तो इतनी ही ना, लिमिटेड, तो वहां पे बहुत होच पोच सी नहीं हो जाएगी, तो वहां पे बहुत भीड़ भाड़ सी नहीं हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर एस फेस, एस फेस में देखो यहाँ पर ये है पल्वराइज्ड क्रोमोसोम फ्रेगमेंट्स, इतर बितर तितर बितर हो रखा है यहाँ पर, मतलब मिक्स्ड है एकदम, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट डबल हो चुका है डीएनए का, है ना। और इसको जब माइटोटिक क्रोमोसोम से यहाँ पर कंपेयर किया, तो माइटोटिक फेज जब मैं जब सेल एंटर करती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि क्रोमोसोम को डिवाइड होना होता है, इसलिए वो अपने कॉम्पैक्ट शेप में आ जाती है, जो कि अभी आप देखोगे। तो माइटोटिक फेज में बहुत अच्छे से आपको क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना। अभी आगे आपको मैं दिखाऊंगा माइटोटिक फेज के डीएनए कैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर डीएनए बिल्कुल मिक्स्ड है, इसलिए अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे एस फेस से जब हम कंपेयर करते हैं। जब हमने एम फेस को जीवन फेस से कंपेयर किया, तो देखो ये है एम फेस के क्रोमोसोम, माइटोटिक फेस के क्रोमोसोम, जो कि काफी कॉम्पैक्ट है, और ये है जीवन फेस के क्रोमोसोम, देख रहे हो,
लंबे लंबे से हैं, है ना, गिवन फेस के क्रोमोसोम। ओके ये रिलैक्स है, क्यों? क्योंकि इनका अभी रेप्लिकेशन होना ही नहीं है, है ना। रेप्लिकेशन कब होगा? एस फेस में। और एस फेस में जब इनका रेप्लिकेशन होता है तो कंटेंट डबल हो जाता है, वो इस तरीके से दिखाई देने लगते हैं। फिर जब एस फेस से जी टू फेस में एंटर करता है तो देखो, अब ध्यान दो, जी टू फेस के बाद कौन सा फेस आना है? एम फेस, माइटोटिक फेस, जहां पर क्रोमोसोम का डिविजन होता है। तो अब धीरे धीरे ये डीएनए देखो, यहां पर क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट होने लग रहे हैं, है ना, धीरे धीरे कॉम्पैक्ट। एस फेस में देखो कैसे दिख रहे थे, जैसे ही ये जी टू फेस में एंटर करे तो ये कॉम्पैक्ट होने लग गए। क्यों? क्योंकि अब इनको कैसा शेप लेना है? ऐसा शेप लेना है, है ना। ये सारी चीजें क्लियर होंगी आपकी, आपको धीरे धीरे। ओके, तो अब हम बात करते हैं एम फेस की। जी वन फेस आपको समझ में आ चुका है, एस फेस आपको समझ में आ चुका है, जी टू फेस आपको समझ में आ चुका है। अब हम बात करेंगे माइटोटिक फेस की, कि जब सेल माइटोटिक फेस में एंटर करती है, जब सेल का माइटोसिस होना होता है, डिवीजन होना होता है, तो वो कैसे होता है? ओके, तो देखो माइटोटिक फेस में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या आता है? प्रोफेस आता है। ओके, तो प्रोफेस में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है कितना होगा? 46, और कंटेंट 92, है ना। अभी डिवाइड तो हुआ नहीं है, तो कंटेंट 92 है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है। प्रोफेस के बाद आता है प्रोमेटाफेस, यहां पर भी ये सेम नंबर रहता है 46 92, है ना। देखो यहां पर ये देखो कंटेंट डबल हो चुका है, जैसे मैंने आपको पहले बनाकर दिखाया था। ओके, कंटेंट डबल हो चुका है मतलब 92, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही होंगे, समझ रहे हो। यहां पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है प्रोमेटाफेस में, लेकिन कंटेंट 92 है। ओके, इसके बाद आता है मेटाफेस। मेटाफेस में क्या होते हैं कि सारे के सारे क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं यहां पर बीच में, बिल्कुल सेंटर में, जिसको आप मेटाफेसिक प्लेट बोलते हो। ये जो सेंटर है जहां पर सारे क्रोमोसोम अरेंज हो गए, इसको बोलते हो मेटाफेसिक प्लेट। ओके, यहां पर भी अभी क्रोमोसोम डिवाइड नहीं हुए, तो यहां पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 और कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम 92 ही रहेगा। ओके, इसके बाद आता है एनाफेस। देखो एनाफेस, अभी ये जो कंटेंट ये सारे का सारा एक ही सेल के अंदर है। ओके, तो एक ही सेल में अभी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? अब देखो यहां पर ये क्रोमोसोम डिवाइड हो गए, यहां से आधे क्रोमोसोम ऊपर की तरफ चले गए ये, और आधे क्रोमोसोम नीचे की तरफ चले गए। तो अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी डबल हो चुके हैं। पहले नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे यहां तक? 46 मेटाफेस तक। मेटाफेस से जैसे ही सेल एनाफेस में एंटर करती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी डबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्रोमोसोम का कंटेंट डबल हुआ था, अब वो डिवाइड हो गया एक दूसरे से, है ना। तो क्या हो गया? डबल हो गया। इसको अभी और अभी आपको क्लियर होगा, है ना। तो यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी डबल हो गया और कंटेंट तो पहले ही डबल हो चुका था। कंटेंट डबल ही इसलिए हुआ था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी डबल हो सके। ओके, इसके बाद यहां पर लास्ट में टीलोफेस आता है, जब ये नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है जो कि अलग अलग हुए हैं, वो अलग अलग ऑपोजिट ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, ताकि यहां से अब सेपरेशन हो जाए, ये अलग सेल में चला जाए, ये अलग सेल में चला जाए, समझ रहे हो। अब आपको अभी और अच्छे से समझ में आएगा जब हम प्रोफेस को अलग, प्रोमेटाफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, इन सबको ध्यान से पढ़ेंगे एक एक करके, कि कैसे ये क्रोमोसोम यहाँ जा रहे हैं, कैसे क्रोमोसोम यहाँ आए, कैसे यहाँ आए, कैसे यहाँ आए। आप चिंता मत करो, आपको हर एक स्टेप इतना अच्छे से समझ में आएगा कि कभी नहीं बोलोगे। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 92 हो चुके हैं और कंटेंट भी 92 है। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि कब नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, मेटाफेस तक नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 रहते हैं, लेकिन जैसे ही मेटाफेस से ट्रांजिशन होता है, एनाफेस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। तो ये वाला जो जगह है, ये मेटाफेस टू एनाफेस, क्यों? क्योंकि एनाफेस में ही क्रोमोसोम एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, है ना, अलग हो जाते हैं। तो अलग हो गए, तो अब जैसे मान लो कि मैं हूं, ठीक है, मेरा कंटेंट अभी क्या है?
जो है मेरे पास कंटेंट वो है, ठीक है, मेरा नंबर कितना है एक, अगर मेरे को बीच में से हाफ कर दिया दो टुकड़े हो जाएंगे, एक टुकड़ा इधर चला जाएगा एक टुकड़ा इधर, वैसे ही क्रोमोसोम का है। ओके, तो क्रोमोसोम का आधा हिस्सा इधर चला गया और आधा हिस्सा नीचे, इसलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी डबल हो गए, कंटेंट तो पहले ही डबल था, राइट। आई होप ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोफेस की, ओके, कि प्रोफेस में क्या क्या होता है। ओके, तो देखो यहां पर प्रोफेस में क्या होता है कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, है ना। ध्यान दो, प्रोफेस किस में है, एम फेस में, माइटोटिक फेस में, और माइटोटिक फेस से जस्ट पहले कौन सा फेस होता है, जी टू फेस, और जी टू फेस से जस्ट पहले कौन सा होता है, एस फेस। एस फेस में आपने डीएनए देखा था कैसा था, क्रोमोसोम कैसा था, बहुत मिक्स था, धीरे धीरे जैसे जी टू फेस आया तो वो कंडेंस होने लग गया धीरे धीरे, क्यों, क्योंकि उसको अब डिवाइड होना था। और जैसे ही जी टू फेस से एम फेस में एंटर करता है सेल, एम फेस में सबसे पहले क्या आता है, प्रोफेस, और प्रोफेस में क्या होता है, एक्चुअल डीएनए का कंडेंसेशन होता है, एक्चुअली क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, जिसको कॉम्पैक्शन भी बोलते हो, है ना। तो कॉम्पैक्शन या कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि जो डीएनए होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, जो पहले बहुत लेंदी लेंदी होते हैं न्यूक्लियस में, अब वो शॉर्ट होने लगते हैं, छोटे होने लगते हैं और थिक होने लगते हैं, है ना, ताकि इजिली वो डिवाइड हो सके। छोटे होने लगते हैं और थिक होने लगते हैं, जैसे कि पहले मान लो कि ऐसे ऐसे थे डीएनए के क्रोमोसोम, ऐसे थे एम फेस से पहले जी टू फेस तक, अब जैसे ही एम फेस आया ये छोटे होने लगे और ठीक होने लगे, छोटे होने लगे और ठीक होने लगे, राइट। तो इसी को बोला जाता है क्रोमोसोम कॉम्पैक्शन या कंडेंसेशन, क्योंकि ये कंडेंसेशन जो है वो जरूरी है क्रोमोसोम के डिवीजन के लिए, क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन के लिए, है ना, क्योंकि आधे क्रोमोसोम दूसरे डॉटर सेल में जाने हैं और आधे क्रोमोसोम दूसरे डॉटर सेल में जाने हैं, इसीलिए कंडेंसेशन होना प्रॉपरली उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में आना जरूरी है ताकि इक्वल डिवीजन हो सके। अगर इसमें डिवीजन होता सोचो तो क्या इक्वल डिवीजन हो पाता, इक्वल डिवीजन तो तभी हो सकता है ना जब हमको किसी की प्रॉपर शेप पता हो, और प्रॉपर शेप क्रोमोसोम की क्या होती है, वो ऐसी होती है, आपने हमेशा देखा होगा मेटाफेस में दिखता है, जो कि अभी आपको दिखाऊंगा आगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। बट अगर एक्चुअली प्रोफेस को देखा जाए तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो कंडेंसेशन की तरफ बढ़ रहा है लेकिन प्रॉपरली कंडेंस नहीं है। ओके, वो प्रोफेस में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, तो यहाँ पर क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है या बोल सकते हो कॉम्पैक्शन होता है, और यहाँ पर कंडेंसेशन में जो प्रोटीन होता है वो होता है कंडेंसिन, कंडेंसिन करके एक प्रोटीन है जो कि क्रोमोसोम कंडेंसेशन करवाता है। ओके, तो जरा इस कंडेंसिन के बारे में जानते हैं कि कंडेंसिन क्या होता है। तो देखो यहाँ पर कि कंडेंसिन कैसे कंडेंस करवाता है, तो देखो ये है आपका डीएनए जी या क्रोमोसोम बोल सकते हो एस फेस में, और जैसे जैसे एस फेस सेल जी टू फेस से होते हुए एम फेस में ट्रेवल करती है तो क्रोमोसोम देखो कैसे कंडेंस होने लग गया है, ये है एम फेस वाला क्रोमोसोम कंडेंस होने लग गया, और इससे देखना है तो ये देखो ये जो आप देख रहे हो ये सब ये डीएनए ये एस फेस का है, और ये देखो ये क्रोमोसोम जैसा दिखाई दे रहा होगा कंडेंस फॉर्म में, ये शेप कब बनती है जब सेल एम फेस में एंटर करती है। ओके, ये देखो इस तरीके से, तो एम फेस तक आते आते क्रोमोसोम का शेप ऐसे से ऐसा हो जाता है, समझ रहे हो, एक कॉम्पैक्ट शेप में जाता है, कंडेंस शेप में जाता है, ताकि इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके दोनों डॉटर सेल्स में, अलग डॉटर सेल में आधा अलग डॉटर सेल में। ओके, तो ये काम कौन करवाता है, कंडेंसिन, कंडेंसिन एक प्रोटीन होता है जो कि क्रोमोसोम कंडेंसेशन में हेल्प करवाता है, राइट। क्रोमोसोम बिकम्स मच शॉर्टर एंड थिकर विच इज विजिबल एज थिन थ्रेड्स, है ना, देख रहे हो थिन थ्रेड्स के जैसा यहाँ पर दिखाई देने लग गया है, थिन थ्रेड्स के जैसा देख रहे हो, थिन थ्रेड्स के जैसा। एज द प्रोफेस प्रोग्रेस, जैसे जैसे प्रोफेस प्रोग्रेस करता है, मतलब प्रोफेस की साइकिल भी कंप्लीट होती है, अब वो जब वो मेटाफेस में एंटर करेगा द क्रोमेटिन बिकम्स शॉर्टर
क्रोमेटिन और छोटे होते चले जाते हैं एंड थिकर और थिक होते चले जाते हैं ड्यू टू रिमूवल ऑफ हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। तो ये जो शेप आया है क्रोमोसोम का प्रोफेस में वो किसकी वजह से आया है, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के रिमूव हो जाने की वजह से। ओके तो जब सेल जो इंटरफेस में रहती है ना, जब इंटरफेस में सेल रहती है ओके तो वहां पर उस क्रोमोसोम इंटरफेस में सेल के साथ बहुत सारे हिस्टोन प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स बाउंड रहते हैं, जिसकी वजह से उनका शेप जो होता है न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है, राइट। बट जैसे जैसे सेल प्रोफेज की तरफ आती है, फिर प्रोफेज से मेटाफेज की तरफ बढ़ती है, तो वहां से क्या होता है, हिस्टोन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हटने लगते हैं और क्रोमोसोम कंडेंस होने लगता है, छोटा होने लगता है, थिक होने लगता है ओके, और क्रोमोसोम का शेप होने लगता है, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम का शेप बनने लग जाता है। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड्स, यहां पर दो क्रोमेटिड दिखाई देने लग जाते हैं अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड्स, है ना। अब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये दिखने लग जाते हैं अब प्रोफेस में, लेकिन इनका रेप्लिकेशन तो एस फेस में ही हो गया था, लेकिन एस फेस में क्रोमोसोम इतना डिसअरेंज थे कि सिस्टर क्रोमेटिड अपियर नहीं हो पा रहा था, दिख नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे जैसे क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू किया माइटोसिस में एंटर करने के बाद कॉम्पैक्ट होना शुरू किया, अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स धीरे धीरे विजिबल होने लगे, जो कि पूरा अच्छे से विजिबल होंगे कब, एम फेस में ओके। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है सिस्टर क्रोमेटिड्स रेप्लिकेटेड इन इंटरफेस बट स्टार्ट टू अपियर हेयर, यहाँ पर दिखने लग जाते हैं लेकिन रेप्लिकेट तो रेप्लिकेशन तो उनका इंटरफेस में ही हो जाता है ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर प्रोफेस में क्या होता है, डिसअसेंबली ऑफ साइटोस्केलेटन एंड असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, ये जो आप देख रहे हो ये माइटोटिक स्पिंडल्स है ओके। सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होता है आपको पता है, जो कि सेल के ऑर्गेनेल्स को अरेंज करके रखती है आपस में, है ना। जब नॉर्मल जो सेल इंटरफेस में होती है उसमें सेल में क्या होगा, साइटोस्केलेटन होता है, लेकिन जब सेल इंटरफेस से ट्रैवल करके एम फेस में आती है जहां पर क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होना आता है, तो वो जो सेल के अंदर साइटोस्केलेटन है वो साइटोस्केलेटन से कन्वर्ट होने लग जाता है माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स में। तो साइटोस्केलेटन का डिसअसेंबली होता है, मतलब ये जो सेल है इसके अंदर ये जो माइक्रोट्यूबुल्स का नेटवर्क होता है उसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं, ये सारे ऑर्गेनेल को अपनी अपनी जगह पर फिक्स रखता है, लेकिन ये इंटरफेस में, जब ये इंटरफेस से एम फेस में एंटर करता है तो इन साइटोस्केलेटन की जरूरत नहीं है, अब जरूरत किसकी है, इन माइटोटिक स्पिंडल्स की, जो कि क्रोमोसोम को सेग्रीगेट करवाएगी। तो यहाँ पर साइटोस्केलेटन की डिसअसेंबली होने लग जाती है और माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स की असेंबली होने लग जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब क्रोमोसोम को सेपरेट होना है ओके। सेंट्रोसोम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, ये जो सेंट्रोसोम्स हैं ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर जाते हैं, कहाँ पर, प्रोफेस में। एट द एंड ऑफ प्रोफेस न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस में जो यहाँ पर बीच में एक न्यूक्लियोलस होता है ना, वो डिसअपियर होने लग जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग जाती है ड्यू टू फॉस्फोराइलेशन ऑफ लैमिन्स। एक लैमिन प्रोटीन होता है जो कि न्यूक्लियर एनवलप में, ये मान लो न्यूक्लियर एनवलप है, तो यहीं पर एक प्रोटीन होता है लैमिन, उस लैमिन का फॉस्फोराइलेशन होने की वजह से क्या होता है, लैमिन इनएक्टिव हो जाता है प्रोटीन, और फिर ये न्यूक्लियर एनवेलप डिग्रेड होने लग जाती है। तो जब प्रोफेस कंप्लीट होने वाला होता है और प्रोफेस से सेल एंटर करने वाली होती है मेटाफेस में, तो यहां पर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग जाते हैं ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहां पर क्या होता है कि गॉल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर्स, तो प्रोफेस जैसे जैसे खत्म होने वाला होता है तो यहाँ पर जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉड, ये दोनों डिसअपियर होने लग जाते हैं ओके। तो याद रखना यहाँ पर गोल्जी बॉडी और ईआर डिसअपियर होते हैं, कब, प्रोफेस में। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है वो आता है प्रोमेटा फेज। प्रोमेटा फेज में क्या होता है कि अब ये जो क्रोमोजोम्स हैं ये धीरे धीरे सेंटर की तरफ मूव करना शुरू कर जाते हैं, है ना। इससे पहले जब आप जो फेज देखोगे यहाँ पर देखो ये सारे डिसअरेंज्ड हैं, ये क्रोमोसोम डिसअरेंज्ड हैं पूरे न्यूक्लियस में, इधर उधर है, लेकिन जब प्रोमेटा फेज आता है ना, तो ये एक सेंटर की तरफ मूव करने लग जाते हैं सारे के सारे क्रोमोसोम्स ओके। और यहाँ पर क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसअपियर्ड कम्प्लीटली,
यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है, किसमें? प्रोमेटाफेस में। ओके, मैक्सिमम कंडेंस्ड क्रोमोजोम आर सीन प्रोमेटाफेस में। जो क्रोमोजोम्स होते हैं मैक्सिमली कंडेंस्ड हो जाते हैं, बिल्कुल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाते हैं, एकदम थिक शॉर्ट, ताकि क्लियरली विजिबल हो पाए, है ना। मेटाफेस जैसे ही आता है आप क्रोमोजोम को अच्छे से देख सकते हो, क्लियरली विजिबल विजुलाइज कर सकते हो, राइट। तो यहां पर क्या होता है, मैक्सिमम कंडेंस्ड क्रोमोजोम आर सीन इन विच फेज? प्रोमेटाफेस। इसके बाद यहां पर क्या होता है, सेंट्रोजोम्स आर एट ऑपोजिट पोल्स। ये जो सेंट्रोजोम्स हैं ये ऑपोजिट पोल्स पर होते हैं, है ना। फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स कंप्लीट। ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इनका फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। ओके, एंड अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के पास जो काइनेटोकोर होता है उससे ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं। अब ये काइनेटोकोर क्या होता है, सेंट्रोजोम क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या होता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, है ना। तो यहाँ देखो, हम सबसे पहले समझेंगे कि सेंट्रोमियर क्या होता है। तो सेंट्रोमियर होता है ये, जिससे दो सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच्ड होते हैं। देखो आप, ये क्रोमेटिड अटैच्ड है किससे? सेंट्रोमियर से। तो जो सेंट्रोमियर होता है, द सेंट्रोमियर इज द रेसिडेंस ऑफ हाईली रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस। ये एक्चुअली क्या होता है, हाईली रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस होता है। ओके, क्या? सेंट्रोमियर। अब काइनेटोकोर क्या होता है, काइनेटोकोर एक प्रोटीन होता है विच असेंबल्स एट द सेंट्रोमियर एट अर्ली प्रोफेस। अर्ली प्रोफेस में, जैसे ही सेल प्रोफेस में एंटर करती है, कुछ प्रोटीन्स यहां पर आकर अटैच हो जाते हैं। कहां पर? सेंट्रोमियर पर। उसको बोला जाता है काइनेटोकोर्स। ओके, अभी काइनेटोकोर्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि काइनेटोकोर का जो फंक्शन होता है, देखो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, कौन कौन से याद रखना। द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ क्रोमोजोम टू द डायनामिक माइक्रोट्यूब्यूल्स। वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स आकर अटैच होते हैं क्रोमोजोम पर, वो कहाँ अटैच होते हैं? काइनेटोकोर्स पे ही आकर अटैच होते हैं। काइनेटोकोर जो प्रोटीन यहाँ पर सेंट्रोमियर पर पहले अटैच हुआ था अर्ली प्रोफेस में, उस काइनेटोकोर से ही ये माइटोटिक स्पिंडल्स आकर अटैच हो जाते हैं। ओके, द रेसिडेंस ऑफ सेवरल मोटर प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन क्रोमोसोम मोटिलिटी। ये जो काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर एक्चुअली क्या होता है कि काइनेटोकोर के साथ कुछ मोटर प्रोटीन्स भी असेंबल्ड होते हैं, जो कि क्रोमोसोम के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जब क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होना होता है, सेपरेशन होना होता है, तो उसमें हेल्प करते हैं। तो बेसिकली आपको क्या जानना है कि ये जो रीजन है वो कहलाता है सेंट्रोमियर, जो कि हाईली रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस है। जब प्रोफेस में सेल एंटर करता है तो इस सेंट्रोमियर पर आकर कुछ प्रोटीन्स बाइंड हो जाते हैं, जिसको आप काइनेटोकोर्स बोलते हो। ओके, इसके बाद देखो, क्रोमोसोम्स आर स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पर देखो, ये है सेंटर। तो क्रोमोसोम्स किस तरफ मूव करने लग जाते हैं प्रोमेटाफेस में? बिल्कुल इक्वेटर की तरफ। सारे क्रोमोसोम यहाँ पर अरेंज होने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है मेटाफेस। मेटाफेस में आप यहाँ पर देख सकते हो सारे क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं बिल्कुल एक इक्वेटर पर, जिसको आप बोलते हो मेटाफेसिक प्लेट। इसको आप क्या बोलते हो? मेटाफेसिक प्लेट। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो, ऑल क्रोमोसोम्स आर अलाइंड अलोंग ए सिंगल मेटाफेसिक प्लेट। एक ही सिंगल मेटाफेसिक प्लेट पर सारे के सारे क्रोमोसोम अलाइंड हो जाते हैं, है ना। बेस्ट फेस टू ऑब्जर्व द शेप एंड साइज ऑफ क्रोमोसोम। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस फेज में हम क्रोमोसोम को अच्छे से देख सकते हैं, क्रोमोसोम की शेप को, क्रोमोसोम के साइज को। तो वो है मेटाफेस। मेटाफेस में ही आप क्लियरली विजिबल कर सकते हो क्रोमोसोम को। क्यों? क्योंकि इस फेज तक आते आते क्रोमोसोम पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ चुका होता है, कंडेंस्ड फॉर्म में आ चुका होता है, शॉर्ट और थिकर फॉर्म में आ चुका होता है ना, एक प्रॉपर सिमेट्री में दिखाई देता है। ओके, किस फेज में? मेटाफेस में। क्यों? क्योंकि इस फेस के बाद ही अब क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होना शुरू होगा, राइट। तो इट इज द बेस्ट फेस टू ऑब्जर्व द शेप एंड साइज ऑफ द क्रोमोसोम। अब देखो, यहां पर ध्यान से समझो,
ये जो मेटाफेसिक प्लेट है, बहुत बार बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है तो कि कितने क्रोमोजोम यहाँ पर अरेंज होते हैं, कैसे सारे क्रोमोजोम सेपरेट होते हैं एक दूसरे से माइटोसिस में। तो इसके लिए मैंने एक एनिमेशन टाइप क्रिएट करी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आपको पता है कि सेल में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं, 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, है ना। अब एम फेज तक आते आते क्रोमोजोम का कंटेंट तो डबल हो गया है, दैट इज 92, बट नंबर ऑफ क्रोमोजोम 46 ही है, जो कि 46 क्रोमोजोम यहाँ पर अरेंज हो जाते हैं मेटाफेसिक प्लेट पे, है ना। यहाँ पर ये सारे क्रोमोजोम जो अरेंज्ड हैं, ये पूरे कितने होते हैं, 46 क्रोमोजोम, सारे के सारे क्रोमोजोम जितने भी सेल्स में एक सेल में होते हैं। और आपको पता है कि एक सेल में कितने क्रोमोजोम होते हैं, 46 क्रोमोजोम। तो 46 के 46 क्रोमोजोम यहाँ मेटाफेसिक प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं, देयर आर 46 सेंट्रोमियर्स। तो 46 क्रोमोजोम का मतलब 46 सेंट्रोमियर्स, एंड ईच वन इज अटैच्ड टू द सिस्टर क्रोमेटिड्स। देखो ये सारे सेंट्रोमियर सिस्टर क्रोमेटिड से अटैच्ड हैं, है ना। तो 46 सेंट्रोमियर और सारे के सारे मेटाफेसिक प्लेट पे अरेंज्ड एकदम, राइट। अब यहां देखो इस तरीके से कितने क्रोमोजोम होते हैं सेल में, ये आई होप कि इस एनिमेशन से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर मैंने नंबरिंग भी दी हुई है 1, 2, 3, 4 से लेकर 46 तक, यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। और एक पेयर में दो एक होमोलोगस, मतलब एक पेयर में दो होमोलोगस क्रोमोजोम होते हैं, जैसे कि मैंने सेम कलर से यहाँ पर डिनोट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो गया एक पेयर, ये हो गया दूसरा पेयर, ये हो गया तीसरा पेयर, दिस इज फोर्थ पेयर, दिस इज फिफ्थ पेयर, दिस इज सिक्स पेयर, दिस इज सेवन्थ पेयर, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम, मतलब 46 क्रोमोजोम्स, ये सारे के सारे एक साथ अरेंज हो जाते हैं मेटाफेसिक प्लेट पर। ये तो जो अरेंज हुए हैं इसका मतलब आप ये मान के चलना कि ये क्या है, मेटाफेसिक प्लेट जिस पे सारे के सारे अरेंज हो गए, ओके। और फिर क्या होता है कि ये अटैच हो जाते हैं किससे, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर से, इस तरीके से, है ना। और ये क्या है, ये है आपके सेंट्रोजोम, एक सेंट्रोजोम यहाँ है, एक सेंट्रोजोम यहाँ है, ओके। और इस सेंट्रोजोम मतलब ये जो माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये जो आप देख रहे हो, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, इसका एक पोर्शन तो अटैच्ड होता है क्रोमोजोम के काइनेटोकोर से और दूसरा रीजन अटैच्ड होता है सेंट्रोजोम से, ओके। और ये सारे क्या है, 46 क्रोमोजोम अरेंज्ड ऑन मेटाफेसिक प्लेट। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये सेंट्रोजोम के बारे में और समझना होगा, ओके। और इसके बीच सेंट्रोजोम में जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको बोला जाता है सेंट्रियोल्स, ओके। तो ये सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, है ना, और ये कैसे क्रोमोजोम से अटैच होते हैं माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स, ये सारी चीज़ें हमें समझनी होंगी, ओके। क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो सेंट्रोजोम सबसे पहले समझो, सेंट्रोजोम क्या होता है, स्पेशल माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर या ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हो, किसको, सेंट्रोजोम, ओके, है ना। तो हाउ सेंट्रोजोम फॉर्म्स माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स, ये जो माइटोटिक स्पिंडल फाइबर आप जो देख रहे थे, जिसने सेंट्रोजोम को और क्रोमोजोम को अटैच करके रखा हुआ था, बाइंड करके रखा हुआ था, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो याद करो मैंने आपको बताया था ना कि जब सेल इंटरफेस में होती है, सेल मान लो ये इंटरफेस में है, ओके, तो सेल के अंदर साइटोस्केलेटन का नेटवर्क होता है ना, ये साइटोस्केलेटन का नेटवर्क होता है जो कि सेल ऑर्गेनेल्स को अपने अपने पोजीशन पर रखती है और सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है। साइटोस्केलेटन का काम वही होता है, आपको पता है। लेकिन जब सेल इंटरफेस से निकलकर एम फेस में एंटर करती है तो क्या होता है, अब एम फेस में इन साइटोस्केलेटन की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स की। तो साइटोस्केलेटन की डिसअसेंबली होने लग जाती है और माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स की असेंबली होने लग जाती है, राइट। तो इस तरीके से माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, ओके।
यहां पर देखो पहला पॉइंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ साइटोस्केलेटन अंडरगो स्वीपिंग डिसअसेंबली। वो जो साइटोस्केलेटन थे उन सबका डिसअसेंबली होने लग जाता है क्योंकि उनकी अब जरूरत नहीं है। इन प्रिपरेशन फॉर देयर रीअसेंबली एज कॉम्पोनेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स माइक्रोसाइज्ड मशीन कॉल्ड माइटोटिक स्पिंडल। डिसअसेंबली होती है किसकी? साइटोस्केलेटन की। क्यों? ताकि रीअसेंबल होकर वो कंपोनेंट्स बना सके माइटोटिक स्पिंडल्स, क्योंकि माइटोटिक स्पिंडल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रैपिड डिसअसेंबली ऑफ द इंटरफेस साइटोस्केलेटन। वो जो साइटोस्केलेटन है उनकी जो रैपिड डिसअसेंबली होती है वो क्यों होती है? क्योंकि जो प्रोटीन्स उन साइटोस्केलेटन को मेंटेन करके रखते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। जिन प्रोटीन्स ने उन साइटोस्केलेटन को मेंटेन करके रखा था, स्टेबल करके रखा था, वो प्रोटीन ही इनएक्टिवेट हो जाते हैं तो वो साइटोस्केलेटन डिसअसेंबल होने लगेंगे और उसकी वजह से रीअसेंबली होगी माइटोटिक स्पिंडल फाइबर। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि साइटोस्केलेटन का मॉडिफिकेशन हो जाता है इनटू द माइटोटिक स्पिंडल फाइबर, रीअरेंजमेंट हो जाता है किसमें? माइटोटिक स्पिंडल फाइबर में, है ना। क्योंकि साइटोस्केलेटन में भी माइक्रोट्यूब्यूल होता है और माइटोटिक स्पिंडल में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, है ना, समझ रहे हो इस चीज को। तो ये जो प्रोटीन्स जो कि साइटोस्केलेटन को स्टेबल करके रखते हैं वो कौन से होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या हो जाते हैं? इनएक्टिवेट हो जाते हैं जिसकी वजह से वो साइटोस्केलेटन डिसअसेंबल होने लग जाते हैं और डिसअसेंबल होने से जो कॉम्पोनेंट रिलीज हो जाते हैं उससे असेंबली होती है माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स की। ओके, अब यहाँ जरा कुछ मैं आपको फिगर्स दिखाने जा रहा हूँ, उसके हेल्प से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले ये देखो कि सेंट्रोसोम कैसे फॉर्म होते हैं। ओके, तो यहाँ देखो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली जीवन फेस में। जब सेल अर्ली जीवन फेस में होती है तो एक ही सेंट्रोसोम होता है सेल में। ओके, एक ही सेंट्रोसोम होता है और उस एक सेंट्रोसोम के अंदर आप देखो दो सेंट्रियोल्स होते हैं, एक सेंट्रियोल ये रहा, एक सेंट्रियोल ये रहा। जब सेल एंटर करती है जीवन फेस से एस फेस में तो देखो कि सेंट्रोसोम तो एक ही है, ये सेंट्रोसोम है। ओके, यहां पर भी एक ही सेंट्रोसोम है लेकिन इस सेंट्रोसोम के अंदर इनको देखो आप सेंट्रियोल्स को, इसका रेप्लिकेशन हो जाता है, सेंट्रियोल्स का रेप्लिकेशन हो जाता है। तो यहां पर आप देखो सिर्फ दो सेंट्रियोल थे, यहां पर चार सेंट्रियोल्स हो गए हैं। इसका डॉटर सेंट्रियोल ये रहा, इसका डॉटर सेंट्रियोल ये रहा, तो ये चार सेंट्रियोल हो गए। किसमें? एस फेस में। क्यों? क्योंकि एस फेस में सिंथेसिस होता है, रेप्लिकेशन होता है। ओके, तो यहां पर सेंट्रियोल्स भी रेप्लिकेट हो जाते हैं। अब ये सेंट्रियोल्स का तो रेप्लिकेशन हो चुका है, अब जैसे ही ये एस फेस से एम फेस में एंटर करते हैं तो ये देखो जो रेप्लिकेट हुए थे सेंट्रियोल्स यहां पर, ये सेंट्रियोल्स डिवाइड होने लग जाते हैं। और सेंट्रियोल्स जब डिवाइड होते हैं, दो सेंट्रियोल यहाँ और दो सेंट्रियोल यहाँ, ओके, तो जब ये डिवाइड होते हैं तो सेंट्रोसोम भी डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। फिर यहाँ से दो सेल बन गई, एक सेल ये सेल का वापस जीवन फेस आ जाएगा। इसमें देखो यहाँ पर भी दो सेंट्रियोल्स थे, यहाँ पर भी दो सेंट्रियोल थे। फिर जब ये सेल वापस एस फेज में जाएगी तो ये फिर से सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल्स रेप्लिकेट करेंगे और फिर ये माइटोटिक फेस में जाएगा, फिर इस सेंट्रोसोम का सेपरेशन होगा। तो इस तरीके से सेंट्रोसोम की ये साइकिल है, राइट। अब यहां पर समझो इस चीज को कि ये जो सेंट्रोसोम से जो ये स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं, है ना, तो क्या होता है एट द बिगनिंग ऑफ माइटोसिस। ये जो माइटोसिस है इसके बिगनिंग में ही द सेंट्रोसोम स्प्लिट्स इंटू टू एडजेसेंट सेंट्रोसोम। ये जो सेंट्रोसोम है ये दो सेंट्रोसोम में स्प्लिट हो जाता है, ईच कंटेनिंग ए पेयर ऑफ मदर डॉटर सेंट्रियोल्स, है ना, मदर डॉटर सेंट्रियोल, मदर डॉटर सेंट्रियोल। और जैसे जैसे माइटोसिस फेस में सेल आगे बढ़ती है, सबसे पहले प्रोफेस, फिर प्रोमेटाफेस और फिर मेटाफेस। तो प्रोफेस में क्या होता है कि मान लो कि आप ये प्रोफेस है, ओके, और ये सेल है, ओके, तो प्रोफेस में क्या होता है कि ये मान लो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि डिसअपियर होने लग रही है अब,
तो प्रोफेज में क्या होता है कि ये सेंट्रोजोम आसपास ही होते हैं, और जैसे जैसे ये प्रो मेटाफेस में सेल एंटर करती है तो ये सेंट्रोजोम एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, अपोजिट पोल्स पे जाने लगते हैं, और जैसे ही मेटाफेस में ये सेल एंटर करती है तो ये सेंट्रोजोम बिल्कुल अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं, ओके। और जैसे जैसे ये एक दूसरे से दूर जाते हैं वैसे वैसे यहां से माइटोटिक स्पिंडल्स निकलने शुरू हो जाते हैं, ओके, जो एक दूसरे को दूर जाने में हेल्प करते हैं, राइट। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखो, द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल इज द अपीयरेंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन सनबर्स्ट अरेंजमेंट और एस्टर। जैसे सूरज की किरणें कैसे निकलती हैं, ऐसे 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 निकलती हैं, है ना। मान लो ये सूरज है, सन है ये, तो उसकी किरणें कैसे निकलती हैं, ऐसे। बचपन में सीनरी बनाने को मिलता था स्कूल से, तो हम क्या बनाते थे, एक सूरज बनाते थे, है ना, एक पहाड़ बनाते थे और एक झोपड़ी बनाते थे, है ना, और ऐसे ही सूरज बनाते थे, ऐसे ही सन बनाते थे, जिसकी ये क्या निकल रही है, किरणें निकल रही है, उसी को बोलते हैं सनबर्स्ट। तो जब एक सेंट्रोजोम से दो सेंट्रोजोम में स्प्लिट होता है, ओके, जैसे ही एम फेस में एंटर करती सेल, माइटोसिस फेस में एंटर करती सेल, तो क्या होता है कि वहां से सनबर्स्ट की तरह माइटोटिक स्पिंडल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, ओके। एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स ग्रो बाय द एडिशन ऑफ सब यूनिट्स टू देयर प्लस एंड्स, ओके। तो देखो ये जो माइटोटिक स्पिंडल्स निकल रहे हैं ये ग्रो होने लग जाते हैं, ये ग्रो होने लग जाते हैं, तो देखो, देख रहे हो, ग्रो हो रहे हैं। तो अब यहां पर जरा कुछ चीजें ध्यान से आप समझो कि ये माइटोटिक स्पिंडल है, मान लो एक, इसको पढ़ो, माइक्रोट्यूब्यूल ग्रो बाय एडिशन ऑफ सब यूनिट्स टू देयर प्लस एंड्स वाइल देयर माइनस एंड रिमेन एसोसिएटेड विद द पेरिसेंट्रियल मटेरियल ऑफ द सेंट्रोसोम। ये क्या है, सेंट्रोसोम है, ओके, और ये क्या है, आपका क्रोमोसोम है। तो क्या होता है कि ये जो माइटोटिक स्पिंडल निकल रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, तो ग्रोइंग एंड जो होता है ये वाला होता है, इसको बोलते हैं प्लस एंड, जो कि क्रोमोसोम की तरफ मूव करता है, ओके। और जो एंड, ये वाला एंड जो सेंट्रोसोम से अटैच रहता है, इसको बोला जाता है माइनस एंड। तो देखो, माइक्रोट्यूबुल्स ग्रो बाय एडिशन ऑफ सब यूनिट्स, इस तरफ सब यूनिट्स ऐड होती रहती हैं और ये माइक्रोट्यूबुल ग्रो होता रहता है, ग्रो होता रहता है, ग्रो होता रहता है, होते 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 होते, होते ये क्रोमोसोम पर जाकर, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जाकर अटैच हो जाता है। तो किस तरफ ग्रोथ हो रही है, प्लस एंड की तरफ। तो ये भी याद रखना, कहीं कहीं पर ये भी पूछा जाता है कि किस एंड पर एडिशन होता है, प्लस एंड पर, ओके। वाइल देयर माइनस एंड रिमेन्स एसोसिएटेड विद द पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल ऑफ द सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल से ही माइनस एंड अटैच रहता है। तो इस तरीके से सेंट्रोसोम डिवाइड होते हैं, सेंट्रोसोम से माइटोटिक स्पिंडल निकलते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, प्लस एंड पे ग्रोथ होती रहती है, माइनस एंड अटैच्ड रहता है, राइट। अब हम वापस से चलते हैं जहां से हमने ये टॉपिक शुरू किया था कि ये सेंट्रोसोम है। अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, है ना। तो ये सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम में ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स, जिसका प्लस एंड अटैच्ड है कहां पर, क्रोमोसोम पे, माइनस एंड अटैच्ड है कहां पर, सेंट्रोसोम पे, राइट। और ये कौन सी स्टेज है, ये स्टेज है मेटाफेस की स्टेज, क्योंकि यहां पर सारे के सारे 46 क्रोमोसोम अरेंज्ड है, कैसे, एक मेटाफेसिक प्लेट पर, ओके। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। अब क्या होता है कि मेटाफेस के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो होती है एनाफेस, और एनाफेस में जैसे ही सेल एंटर करती है तो क्या होता है कि वो जो क्रोमोसोम अरेंज्ड थे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ही तो अरेंज थे, अब ये मेटाफेसिक प्लेट पे, तो अब ये क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, ये जो सेंट्रोमियर से अटैच्ड हैं, ये क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, दोनों आधे सिस्टर क्रोमेटिड ऊपर और आधे सिस्टर क्रोमेटिड नीचे, समझ रहे हो। तो एनाफेस में होता है ये,
तो अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। देखो कंटेंट तो पहले ही डबल था, एनाफेस में क्या हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गए। और यहां पर सेपरेशन किसका होता है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनाफेस में सेपरेशन एक्चुअली किसका होता है। तो आप ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था कि 46 क्रोमोसोम्स अरेंज थे मेटाफेसिक प्लेट पर, है ना, ऐसे करके 46 क्रोमोसोम, 1 2 3 ऐसे कर कर करके पूरा 46 क्रोमोसोम सारे अरेंज थे किस पर, मेटाफेसिक प्लेट पर। तो अगर दो क्रोमोसोम को देखा तो ये मिलके एक पेयर बनाता है, तो मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम वाज अरेंज्ड ऑन मेटाफेसिक प्लेट, है ना। तो ये क्या है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम है ना। तो यहां पर सेपरेशन किसका होता है, इस क्रोमोसोम के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाएंगे, इसके दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाएंगे, इसके दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाएंगे। तो मतलब जितने 46 क्रोमोसोम अरेंज थे मेटाफेसिक प्लेट पर, उन सारे के सारे 46 क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड, एक सिस्टर क्रोमेटिड ऊपर चला जाएगा दूसरी सेल के लिए और एक सिस्टर क्रोमेटिड नीचे चला जाएगा, इसको हम समझेंगे आगे, ध्यान रखना। ओके, तो बस अभी याद रखो कि एनाफेस में क्या होता है, क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जाता है, अब क्रोमोसोम का नंबर भी डबल हो जाता है, कंटेंट तो पहले से ही डबल था। तो एनाफेस में क्या होता है, सेंट्रोमियर्स स्प्लिट एंड क्रोमेटिड डिवाइड, जो कि आप यहां पर देख सकते हो, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गई एंड क्रोमेटिड ऑल्सो डिवाइडेड। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमियर बिगिंस टू शॉर्टन। अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना कि जो माइटोटिक स्पिंडल क्रोमेटिड के काइनेटोकोर से अटैच थे, ओके, अब वो छोटे होने लग जाते हैं, छोटे होने की वजह से ये ऊपर की तरफ इसको पुल करने लग जाता है क्रोमोसोम को, अपोजिट पोल्स पे, है ना। तो सिर्फ वही माइटोटिक स्पिंडल का साइज छोटा होता हुआ चला जाता है जो क्रोमोसोम से अटैच्ड है, देखो ध्यान से देखो, और जो क्रोमोसोम से अटैच नहीं होते उनका साइज बढ़ने लगता है। देखो बढ़ रहा है, यहाँ देखो बढ़ रहा है ना, और जो इससे अटैच्ड है ये छोटा हो गया। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक प्रेशर, एक फोर्स डेवलप होता है और ये एक दूसरे से क्रोमोसोम को अलग करने लग जाते हैं। ओके, तो इसलिए यहां पे बोला है स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमियर बिगन्स टू शॉर्टन। जो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से अटैच्ड हैं, सिस्टर क्रोमेटिड से अटैच्ड हैं, वही छोटे होंगे, लेकिन जो अटैच्ड नहीं है वो उनका साइज बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये वाले एक दूसरे को पुश करेंगे और ये क्रोमोसोम को पीछे की तरफ खींचेंगे, तो इस तरीके से डिवीजन हो जाएगा, क्रोमोसोम का सेपरेशन हो जाएगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा, किसमें, एनाफेस में। एनाफेस में क्या होता है, एक्चुअली याद रखना सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होता है, विच मूव्स टू अपोजिट स्पिंडल पोल्स, है ना। ये एक क्रोमोसोम है, ओके, ये एक क्रोमोसोम है, तो ये है क्रोमोसोम है ना, तो यहां इस पे एक माइटोटिक स्पिंडल अटैच था और इधर से एक माइटोटिक स्पिंडल अटैच था, मेटाफेस में। एनाफेस में क्या हुआ कि अब ये जो अटैचमेंट है यहाँ और यहाँ, ये वाला माइटोटिक स्पिंडल इस सिस्टर क्रोमेटिड्स को लेकर इस तरफ मूव करने लगेगा और ये इसको लेकर इस तरफ मूव करने लगेगा। तो एनाफेस में क्या होगा, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये तो सेम वैसे ही हो गया, आप में से लैला मजनू वाला कंसेप्ट सुना होगा सबने, है ना, लैला के फैमिली वाले लैला को उधर से खींच रहे हैं, मजनू के फैमिली वाले मजनू को इधर से खींच रहे हैं, दोनों बेचारे एक दूसरे से जुदा हो गए, अलग हो गए, समझ रहे हो। तो ये देखो, ये लैला हो गई, ये मजनू, दोनों एक दूसरे से अलग अलग बिछड़ गए बिल्कुल, राइट, और अब हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे, ये अलग सेल में चले जाएंगे क्रोमोसोम, ये अलग सेल में चले जाएंगे। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि एनाफेस में सेपरेशन किसका होता है, तो याद रखना किसका होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स का, सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स गेट सेपरेटेड इन एनाफेस। ओके, बहुत बढ़िया, अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या था, ईच सेपरेटेड क्रोमेटिड्स बिकम सेपरेट क्रोमोसोम। यहाँ पर एक कंसेप्ट समझो कि मेटाफेस पर ऐसे अरेंजमेंट था,
है ना, ऐसे अरेंजमेंट था। ऐसे सारे ये पेयर वन हो गया, सॉरी वन टू थ्री, ऐसे करते 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 46 क्रोमोसोम्स तक थे। तो ये तो एक्चुअली कंटेंट डबल होने के बाद ये स्ट्रक्चर आया था ना, लेकिन एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का तो ऐसा होता है ना, ये तो कंटेंट डबल होने के बाद ये स्ट्रक्चर होता है, समझ रहे हो, ताकि आधा अलग सेल में जा सके आधा अलग सेल में जा सके। तो जब कंटेंट, जब ये इसका सेपरेशन होगा सिस्टर क्रोमेटिड्स का, तो इस तरीके से सेपरेशन होगा, ये एक सेल में चला जाएगा, ये एक सेल में चला जाएगा। तो ये तो एक क्रोमोसोम हो गया, वैसे ही यहां से यहां से यहां से, तो 46 क्रोमोसोम इस सेल में, 46 क्रोमोसोम इस सेल में। अब जब इस सेल का डिवीजन होना होगा दोबारा से, तो फिर इसका कंटेंट डबल होगा, समझ रहे हो। तो ये जो है, ये क्रोमेटिड जो सेपरेट होके आया था, ये एक क्रोमोसोम के क्रोमोसोम बन जाता है बाद में। ईच सेपरेटेड क्रोमेटिड्स बिकम सेपरेट क्रोमोसोम, ये है इसका मतलब। अभी और आगे जब आप एनिमेशन देखोगे तो वहां पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाय द एंड ऑफ एनाफेस, जैसे ही एनाफेस खत्म होता है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट एट ईच एंड ऑफ द सेल, है ना। यहां देखो, जैसे ही एनाफेस कंप्लीट होता है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 46 क्रोमोसोम इधर, 46 क्रोमोसोम इधर, उसके बाद हम देखते हैं कि टीलोफेस में क्या होता है। तो कुछ नहीं, टीलोफेस में क्या, और अलग हो गए, बिल्कुल पोल्स पे चले जाते हैं, है ना। क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ऑपोजिट पोल्स, ऑपोजिट पोल्स पे यहाँ पर क्लस्टर बन जाता है, देख रहे हो, ये देखो। क्रोमोसोम स्टार्ट डीनेचरिंग टू फॉर्म क्रोमेटिन, अब क्या होगा, टीलोफेस के बाद जस्ट साइटोकाइनेसिस होना है, है ना। तो साइटोकाइनेसिस जब होना है, तो अब ये जो क्रोमोसोम्स अलग हुए हैं, अब ये वापस से डीनेचर होने लग जाते हैं और क्रोमेटिन के फॉर्म में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं, जो कि आप इंटरफेस में देखते हो कैसे मिक्स थे, डिसअरेंज थे, है ना, क्योंकि अब तो सेपरेट हो चुके हैं ये, अब तो अलग सेल में जाने को तैयार हैं। तो अब ये धीरे धीरे डीनेचर होने लगते हैं और अपने वापस क्रोमेटिन वाले शेप में आने लग जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट रीअपियरिंग, अब क्या होता है कि इस यहाँ पर इस वाले फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग जाती है तरीके से, है ना, इस तरीके से। अभी लेकिन सेल डिवाइड नहीं हुआ है, सेल तो ऐसा ही है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग जाती है। माइटोटिक स्पिंडल स्टार्ट डिसअपीयरिंग, ये जो माइटोटिक स्पिंडल्स आप देख रहे हो ना, ये डिसअपीयर होने शुरू हो जाते हैं। और जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोफेज में डिसअपीयर होना शुरू हुए थे, यहां पर बनने लग जाते हैं, स्टार्ट अपीयरिंग रीफॉर्म, है ना। आप देखो, क्रोमोसोम्स बिकम मोर एंड मोर डिस्पर्स्ड अंटिल दे डिसअपीयर फ्रॉम व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप। टीलोफेस में क्रोमोसोम धीरे 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 डिस्पर्स होने लग जाते हैं, है ना, डीनेचर होने लग जाते हैं, जब तक कि वो माइक्रोस्कोप में बिल्कुल दिखना बंद हो जाए, राइट। और ये कब होता है, टीलोफेस में, ओके। अब मैं यहां पर जिस एनिमेशन की बात कर रहा था, उसका टाइम आ गया है, तो इसको देखने के बाद आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो हम शुरू करते हैं मेटाफेस से। मेटाफेस में मैंने आपको बताया था कि ऑल 46 क्रोमोसोम्स वर अरेंज्ड ऑन द मेटाफेसिक प्लेट, ये मेटाफेसिक प्लेट है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो, सारे के सारे 46 क्रोमोसोम यहाँ पर अरेंज्ड हैं, है ना। अगर आप एक क्रोमोसोम को उठाकर देखोगे यहाँ पर इसको, तो ये इस तरीके का है, राइट, ओके। ये और ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, समझ रहे हो, वैसे ही सारे क्रोमोसोम का क्या है, ये सिस्टर क्रोमेटिड, है ना। तो एक सिस्टर क्रोमेटिड मतलब एक सिस्टर क्रोमेटिड से ये वाला माइटोटिक स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है, और एक सिस्टर क्रोमेटिड से ये वाला माइटोटिक स्पिंडल फाइबर अटैच्ड है, राइट। ये कहां पर है, हो रहा है मेटाफेज में। तो मेटाफेज में आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ओके। अब जैसे जैसे मेटाफेज से सेल मूव करेगी एनाफेज की तरफ, तो क्या होगा, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे, इस तरीके से हो गए सेपरेट, मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन, है ना, समझ में आ रहा है। अब और जैसे जैसे सेल आगे मूव करेगी एनाफेज की तरफ, और ज्यादा सेपरेशन होगा, देख रहे हो,
यहां पर भी 46 क्रोमोसोम है, यहां पर भी 46 क्रोमोसोम है, लेकिन कंटेंट एक तरीके से ये सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो गए हैं, है ना। लेकिन है ये 46 और ये भी 46, क्यों? क्योंकि अब ये 46 अलग सेल में जाने हैं और ये 46 अलग सेल में जाने हैं, और जब सेपरेट और जब आगे सेल मूव करती है तो और ज्यादा सेपरेशन हो जाता है, है ना। और जब सेल एनाफेज में पहुंचती है तो देखो यहां पर कि ये बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स पर आपको दिखाई दे रहा होगा एनाफेज में, है ना, बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स पर पहुंच चुके हैं ये 46 क्रोमोसोम, राइट। और जब सेल टेलोफेज में पहुंचती है तो देखो टेलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट रिपेयरिंग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग जाता है, है ना। देखो दो न्यूक्लियस बन गए एक सेल के अंदर और दोनों ही न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम्स, 46 क्रोमोसोम हो गए, एंड स्पिंडल फाइबर्स स्टार्ट डिसअपीयरिंग। देखो ये देखो डिसअपीयरिंग, डिसअपीयर होना शुरू हो गए स्पिंडल फाइबर्स, है ना। तो ये होता है टेलोफेज में, और टेलोफेज के बाद हो जाता है साइटोकाइनेसिस। देखो ये सेल यहां से अभी अटैच्ड है, सेल अलग नहीं हुई टेलोफेज में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गए हैं, दो न्यूक्लियस बन गए हैं लेकिन सेल एक ही है अभी। और जैसे ही टेलोफेज खत्म होता है तो प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें दोनों दो सेल बन जाती है, एक पेरेंट सेल से दो सेल में डिविजन हो जाता है। और देखो एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई, इसमें भी 46 क्रोमोसोम, इसमें भी 46 क्रोमोसोम, राइट। और 46 क्रोमोसोम पहले भी थे पेरेंट सेल में, अब ये कैसे बने? अब जब इसका दोबारा से डिविजन होना होगा तो क्या होगा, पहले इन 46 क्रोमोसोम का कंटेंट डबल हो जाएगा और माइटोसिस के टाइम पे फिर इन क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, तो फिर 46 क्रोमोसोम, फिर 46 क्रोमोसोम। तो इस तरीके से ये सेल साइकिल चलती रहती है, ओके। यहां पर देखो माइटोसिस एकॉम्प्लिश द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। माइटोसिस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुए हैं, डबल हुए हैं, उनका सेग्रीगेशन हो जाता है किसमें, इनटू डॉटर न्यूक्लियाई में। बट द सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स बाय सेपरेट प्रोसेस कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस में क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, याद रखना, लेकिन सेल का सेपरेशन एक्चुअली माइटोसिस में नहीं हो रहा। जैसे ही माइटोसिस खत्म होता है साइटोकाइनेसिस हो जाता है, और साइटोकाइनेसिस में ही सेल का एक्चुअल सेपरेशन होता है। चलो इसके बाद यहां पर आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब दो सेल सेपरेट होने वाली होती है तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ओके। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, तो देखो एनिमल सेल में ये स्ट्रक्चर अलग होता है और प्लांट सेल में स्ट्रक्चर को कुछ और कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं एनिमल सेल्स में क्या होता है। इन एनिमल सेल, सेल फरोइंग मेडिएटेड बाय एक्टिन मायोसिन इवेंट्स। एनिमल सेल में जब दो सेल अलग हो, मतलब एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है, तो क्या होता है कि बाहर से अंदर की तरफ सेल अपने आप को खींचती है, ओके। मूवमेंट अकर्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड, और उसकी वजह से यहां पर सेल फरो बन जाता है और दो सेल अलग हो जाती है। लेकिन अगर प्लांट सेल की हम बात करें तो प्लांट सेल में क्या होता है कि सेल फरो नहीं बनता, फरोइंग नहीं होती, वहां पर सेल प्लेट बनता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इन प्लांट सेल, सेल प्लेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम फ्रेगमोप्लास्ट, और ये फ्रेगमोप्लास्ट कहाँ से आता है, इट इज डिराइव फ्रॉम द गोल्जी बॉडी। जो सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी ईआर कॉम्प्लेक्स रीफॉर्म होते हैं एट द एंड ऑफ माइटोसिस, है ना, एट द एंड ऑफ टेलोफेज, उन गोल्जी बॉडी ईआर कॉम्प्लेक्स से ही ये फ्रेगमोप्लास्ट बॉडी बनती है, है ना। तो एक तरीके से सेल प्लेट बन रही है यहाँ पर, और वो अंदर से बाहर की तरफ बन रही है, मतलब जो अंदर ईआर बॉडी गोल्जी कॉम्प्लेक्स है उससे फ्रेगमोप्लास्ट डिराइव हो रहा है और वो एक सेल वॉल बना रहा है जिसको सेल प्लेट बोलते हैं। तो इस तरीके से एनिमल सेल में अलग तरीके से साइटोकाइनेसिस होता है और प्लांट सेल में अलग तरीके से साइटोकाइनेसिस होता है। देखो अभी तक हमने माइटोसिस डिस्कस किया, अब हम बात करेंगे मियोसिस की, है ना। तो माइटोसिस आपको समझ में आ गया कि उसमें क्या होता है, एक सेल से दो सेल डिवाइड होती है ना, और दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम सेम जाता है, मतलब इसमें 46 तो इसमें भी 46, इसमें भी 46, कैसे जाता है वो सब आपको पता चल गया, है ना। तो अब हम बात करेंगे मियोसिस की। मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से पहले दो सेल्स और दो सेल से फिर चार सेल्स,
देखा जाए तो एक सेल से यहां पर चार डॉटर सेल्स, फोर डॉटर सेल्स आर फॉर्मिंग फ्रॉम सिंगल पेरेंट सेल इन मियोसिस। अब किस तरीके से ये होता है और क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। ओके, तो बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस में आप देखो, मियोसिस में आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक आइडिया आपको होना जरूरी है कि मियोसिस एक्चुअली होता कब है, क्यों है और ये जरूरी क्यों है ना। तो देखो, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ जब हम जेनेटिक्स के बेसिक लेक्चर डिस्कस कर रहे थे कि जैसे मान लो कि हम हैं, मैं हूं, है ना, तो मेरे अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल आया है ना, मेरे अंदर जो 46 क्रोमोसोम्स आए हैं उसमें से 23 क्रोमोसोम तो मेरे फादर से आए हैं और 23 क्रोमोसोम मेरी मदर से आए हैं, तो एक तरीके से ये जो कंडीशन है इसमें 2n है, ये वाला क्या है, एक तरीके से n है, n है, n का मतलब क्या होता है, सेट होता है। तो कहने का मतलब कि एक सेट तो मदर से और एक सेट फादर से आया, तभी तो यहाँ पर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है मेरे पास, है ना। तो एक तरीके से ये कंडीशन कैसी हो गई, डिप्लॉयड की कंडीशन हो गई, और ये कंडीशन मतलब हैप्लॉयड की हो गई, समझ रहे हो, हैप्लॉयड की हो गई। लेकिन जो फादर है वो भी तो डिप्लॉयड ही है, मदर भी तो डिप्लॉयड ही है, क्यों, क्योंकि इनके पास भी तो 46 क्रोमोसोम्स हैं, है ना, और फादर में 23 क्रोमोसोम्स इनके फादर से और 23 क्रोमोसोम इनकी मदर से आए होंगे। तो इस तरीके से क्रोमोसोम का इनहेरिटेंस होता है ना। तो यहां पर मैं आपको मियोसिस समझाना चाहता हूं। तो यहां पर समझो ऐसे कि मान लो कि ये आप हो, राइट, जिसमें 2n है, मतलब दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ओके, इसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम कहाँ से आया, आपके फादर से, राइट, और वन सेट ऑफ क्रोमोसोम हैज कम फ्रॉम योर मदर। यहां तक क्लियर है? ओके, अब देखो ध्यान से कि क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि मियोसिस कब होता है। मियोसिस होता है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, और ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही पॉसिबल है, राइट, जर्म सेल्स में, जिसको बोलते हो रिप्रोडक्टिव सेल्स को जर्म सेल्स बोलते हैं, है ना, तो जर्म सेल्स में ही पॉसिबल है। तो अब क्या होता है कि जर्म सेल्स में फॉर्मेशन होता है इसका गैमेट्स का, है ना। तो पहले क्या होता है कि ये सेल जो है, ये डिप्लॉयड जो सेल है फादर की, रिप्रोडक्टिव जो सेल है, ये रिप्रोडक्टिव डिप्लॉयड सेल है इससे दो सेल बनते हैं, ओके, जिसमें दोनों में हैप्लॉयड हैप्लॉयड कंडीशंस आ जाती है। ओके, तो देखो एन और एन, और फिर इस सेल से दो सेल्स बन जाती है, सेम इधर ऐसे। तो ये जो पहला जो डिवीजन होता है ना, यहां देखो ये क्या है, डिप्लॉइड गैमेटिक सेल्स है, ये क्या है, डिप्लॉइड गैमेटिक सेल्स। तो इस डिप्लॉइड गैमेटिक सेल से ये चार हैप्लॉइड गैमेटिक सेल्स कैसे बनी, तो ये डिप्लॉयड गैमेटिक सेल का जब फर्स्ट डिवीजन हुआ तो उसको बोला गया मियोसिस वन। फर्स्ट डिवीजन को क्या बोलते हैं, मियोसिस वन, जब वो फर्स्ट टाइम सेपरेट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, मियोसिस वन। और इसको रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है, जो मियोसिस वन होता है उसको क्या बोला जाता है, रिडक्शनल डिवीजन। क्यों, क्योंकि जो सेट इसमें देखो, इसमें टू सेट थे तो इसमें से हाफ सेट ही इधर जाता है एक एक सेल में और हाफ सेट जाता है दूसरे सेल में, समझ रहे हो। तो यहां पर क्या हुआ, सेट का रिडक्शन हो गया, 2n से हाफ सेट n इधर गया और हाफ सेट n इधर गया, इसलिए इसको बोला गया रिडक्शन डिवीजन। तो मियोसिस का जो प्रोसेस है उसमें दो बार सेल का डिवीजन होता है, जिसमें से जो फर्स्ट डिवीजन होता है उसको बोला जाता है मियोसिस वन, और मियोसिस वन को बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन, राइट। अब देखो दोनों ही सेल्स में एन एन वन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम है। अब क्या होता है कि इसके बाद जो नेक्स्ट डिवीजन होता है, मतलब ये सेल जो दो सेल में डिवाइड हुई, ये सेल जो दो सेल में डिवाइड हुई, ये और ये, इसको बोला गया मियोसिस टू या मियोसिस सेकंड। और ये जो डिवीजन होता है इसको आपको याद रखना है कि ये होता है इक्विटेशनल डिवीजन, सेम लाइक माइटोसिस। ओके,
यहां पे यूनिकनेस थी थोड़ी सी कि यहां पर कैसा डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस में जो मियोसिस फर्स्ट होता है वहां पे होता है रिडक्शन डिवीजन, लेकिन मियोसिस सेकंड जो होता है वो इक्विटेशनल डिवीजन होता है, लाइक माइटोसिस। माइटोसिस में भी तो इक्वल डिवीजन हो रहा था, है ना। यहाँ मान लो ये पेरेंट सेल है, तो पेरेंट सेल से दोनों डॉटर सेल में एन एन वन वन सेट ऑफ क्रोमोजोम, इसमें भी वन सेट, इसमें भी वन सेट ऑफ क्रोमोजोम गया, है ना। वैसे ही सेम इधर देख लो। अब देखो कि चार टाइप, चार गैमिट्स बने यहां पर, ये है हैप्लॉइड गैमिट्स, ओके। एक रिप्रोडक्टिव सेल से चार हैप्लॉइड गैमिट्स यहां पर बनकर तैयार हो गए, अगर हम मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, राइट। अब क्या होगा, जब रिप्रोडक्शन के टाइम पे ये हैप्लॉइड गैमिट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे तो क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। तो इस जायगोट में हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम तो इधर से आएगा और हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इधर से आएगा, तो जायगोट का कंडीशन कैसा होता है, डिप्लॉइड कंडीशन होता है। अब समझ में आ रहा है ना, तो जायगोट का कंडीशन डिप्लॉइड होता है। लेकिन अब ये देखो कि इसमें से कोई सा भी गैमेट तो किसी भी गैमेट के साथ फ्यूज कर सकता है ना, ये वाला गैमेट इसके साथ, ये वाला गैमेट इन चारों में से किसी के साथ भी फ्यूज कर सकता है, ये वाला गैमेट इन चारों में से किसी के साथ भी फ्यूज कर सकता है, वैसे ही ये और ये। तो जायगोट जो बनेगा वो तो बहुत अलग अलग टाइप के जायगोट्स बनेंगे, है ना। तो इसीलिए जो पेरेंट्स हैं उनके जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, उनके जो चिल्ड्रन आते हैं, वो उनसे एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते, बल्कि वेरिएंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हैप्लॉइड गैमेट्स बने उनका फ्यूजन इज नॉट डिसाइडेड। तो आई थिंक यहां पर आपको दो चीजें एक साथ समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से वेरिएशन होता है, किस तरीके से मियोसिस होता है, है ना, और किस तरीके से सेट ट्रांसफर होते हैं। तो ये तो हमने मियोसिस का एक ओवरव्यू समझा, है ना, कि मियोसिस में दो प्रोसेस होते, दो बार डिवीजन होता है सेल का, मियोसिस वन और मियोसिस टू। अब हम अच्छे से फोकस करेंगे पहले मियोसिस वन पे, फिर फोकस करेंगे मियोसिस टू पर, तो हमें ये क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा प्रोसेस, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो मियोसिस क्या है, अब आपको समझ में आ जाएगा इस डेफिनेशन से। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द यूनियन ऑफ टू सेल्स ईच विद हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम एन एन। समझ में आ रहा है। और ये एन जो है हैप्लॉइड गैमेट्स कैसे बने, विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। समझ रहे हो चीज को, है ना। उसके बाद इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म गैमेट्स आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। गैमेट्स कैसे बनते हैं, मियोसिस के हेल्प से। वो जो आपने देखा कि एक पेरेंट सेल से, 2n वाले पेरेंट सेल से 4n वाले हैप्लॉइड गैमेट्स बने, वो पॉसिबल कैसे हैं, इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ मियोसिस, ओके। ओके, अब देखो यहां मियोसिस वन, मियोसिस वन को की पहले हम बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे मियोसिस टू की। तो मियोसिस वन को आपने देखा क्या बोला गया, रिडक्शनल डिवीजन, है ना। उसमें पहले जो सेल थी वो क्या थी, डिप्लॉइड थी, है ना। तो ऐसे मान के चलो। अब यहां पर हम क्रोमोसोम के साथ साथ समझेंगे, ओके। तो यहां पर 2n का कंडीशन का मतलब कि दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है। मान लो ये पेयर नंबर वन है, ऐसे ही कितने पेयर होंगे, आपको पता है 23 पेयर्स होंगे, 23 पेयर्स तक। तो ये पेयर नंबर वन है, है ना। तो यहाँ पे हर एक पेयर में दो क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इसलिए ये कंडीशन कैसी है, डिप्लॉयड कंडीशन, है ना। अब जब ये सेल डिवाइड होगी मियोसिस वन में, जिसको रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है, तो क्या होगा कि इस होमोलोगस क्रोम, ये जो दो सेट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है यहाँ पर, एक होमोलोगस क्रोमोसोम अलग सेल में और एक होमोलोगस क्रोमोसोम अलग सेल में चला जाएगा, राइट। एक होमोलोगस क्रोमोसोम इस सेल में और एक होमोलोगस क्रोमोसोम इस सेल में, ओके। याद करो, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, माइटोसिस जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन हो जा रहा था, याद है,
सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे थे, लेकिन यहाँ मियोसिस में, जैसे यहाँ पर मियोसिस में जो है वो जो दो होमोलोगस क्रोमोजोम है वो दो होमोलोगस क्रोमोजोम एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं मियोसिस वन में। ओके, माइटोसिस टू में ऑल 46 क्रोमोजोम के, सारे 46 क्रोमोजोम के सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट हो रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो रहे, याद रखना, मियोसिस वन में। ओके, इसके बाद देखो यहां पर देखो, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम रिड्यूस फ्रॉम 46 इन पेरेंट सेल टू 23 ईच गैमेटिक डॉटर सेल्स। इसमें भी 23 क्रोमोजोम हो जाएंगे, इसमें भी 23 क्रोमोजोम हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ये एक पेयर है मान लो पेयर नंबर वन, तो इस पेयर में से एक क्रोमोजोम तो इसमें चला गया, एक क्रोमोजोम इसमें, तो 23 पेयर में से 23 क्रोमोजोम इधर, 23 क्रोमोजोम इधर, इधर 46 थे तो हाफ हो गया, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है ना। तो यहां पर क्या होता है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स। अब मियोसिस सेकंड में क्या होता है, ध्यान से समझो, मियोसिस सेकंड में क्या होता है, इक्विटेशनल डिवीजन, है ना। तो देखो इसमें भी 23 क्रोमोजोम थे और इससे जो दो सेल्स बनी इसमें भी 23 क्रोमोजोम और इसमें भी 23 क्रोमोजोम, ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मान के चलो ये वाला जो होमोलोगस क्रोमोजोम था वो इस सेल में आया था और ये वाला क्रोमोजोम इस सेल में आया था यहां से, है ना। तो अब क्या होगा, इसका सेपरेशन होगा, तो यहां से क्या होगा कि ये जो होमोलोगस, ये जो क्रोमोजोम है इसके सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। देखो क्यों, क्योंकि याद करो हमने बोला था कि मियोसिस सेकंड जो होता है वो एग्जैक्टली किसके जैसा होता है, माइटोसिस के जैसा होता है, है ना। माइटोसिस में भी किसका सेपरेशन होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स का, यहां पर भी सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन हो रहा है। ओके, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, एक बार इसको ध्यान से समझो, ये पेयर नंबर वन है, ऐसे ही पेयर नंबर टू थ्री फोर और 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, है ना। तो मियोसिस वन में क्या होता है, सारे के सारे पेयर में जो दो क्रोमोजोम्स होते हैं दोनों क्रोमोजोम अलग अलग चले जाते हैं, एक पेयर से दोनों क्रोमोजोम अलग, मतलब ये पेयर है इस पेयर में से एक क्रोमोजोम अलग सेल में, एक क्रोमोजोम अलग सेल में, वैसे ही सेकंड पेयर से, थर्ड पेयर से, फोर्थ पेयर से और 23rd पेयर से। ओके, इसलिए इसमें 23 क्रोमोजोम, इसमें 23 क्रोमोजोम। अब नेक्स्ट डिवीजन में ये जो क्रोमोजोम आया है इस क्रोमोजोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं मियोसिस सेकंड में, जो कि माइटोसिस के जैसा होता है। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। अब मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि मियोसिस वन में कौन कौन से स्टेप होते हैं और मियोसिस सेकंड में कौन कौन से स्टेप होते हैं, राइट। तो देखो मियोसिस वन में सबसे पहले आएगा प्रोफेस वन। प्रोफेस वन में आपको अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलते हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचाइटीन, कुछ लोग इसको पेकाइटीन भी बोलते हैं, जो भी आपको बोलना है बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस याद रखना सीक्वेंस। उसके बाद डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये सारे के सारे स्टेजेस किसके हैं, प्रोफेस वन के। ओके, और जैसे ही प्रोफेस वन कंप्लीट होता है तो फिर होता है प्रोमेटाफेस, फिर मेटाफेस, फिर एनाफेस वन और फिर टीलोफेस वन। अब देखो टीलोफेस इज द लास्ट स्टेज, टीलोफेस तो लास्ट होता है, लेकिन अभी मियोसिस वन कंप्लीट हुआ है, अभी मियोसिस टू बाकी है। तो टीलोफेस वन मतलब खत्म हो रहा है, मतलब मियोसिस वन खत्म हो रहा है। अब जैसे ही टीलोफेस वन खत्म होता है तो शुरू होता है प्रोफेस सेकंड, प्रोमेटाफेस सेकंड, मेटाफेस सेकंड, एनाफेस सेकंड और टीलोफेस सेकंड। अब इसमें इतने सारे स्टेप्स क्यों हैं, क्योंकि मियोसिस में दो बार सेल का डिवीजन होता है, एक बार मियोसिस वन के थ्रू और एक बार मियोसिस सेकंड के थ्रू। ओके, और मियोसिस फर्स्ट में आपको देखने हैं ये वाले स्टेप्स सारे पढ़ने हैं और मियोसिस सेकंड में ये सब। तो देखो यहाँ पर अगर आपको माइटोसिस अच्छे से समझ में आ गया है तो
तो मियोसिस समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो सारे स्टेप्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, देखो प्रोफेस, प्रोमेटाफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, ये सब आपको समझ में आई है कि इन सब स्टेप्स में क्या क्या होता है, कैसे क्रोमोजोम सेग्रीगेट होते हैं, है ना। प्रोफेस, प्रोमेटाफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, बस डिफरेंस यहाँ पर ये है, समझ लेते हैं कि होता क्या है एक्चुअली। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेस वन में लिप्टोटीन की, है ना। लिप्टोटीन, लिप्टोटीन का मतलब होता है थ्रेड लाइक। तो यहाँ पर जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो थ्रेड की तरह होते हैं, दिख रहा है आपको, थ्रेड की तरह। क्रोमोजोम्स फर्स्ट बिकम विजिबल एज लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। याद करो ये किसका स्टेज है, प्रोफेस का ही तो स्टेज है, प्रोफेस का ही तो फेज है। इससे पहले क्या था, जी टू फेज था, जी टू फेज से एंटर की हुए सेल ने प्रोफेस वन में, तो यहाँ पर तो थ्रेड की फॉर्म में दिखेगा ही। अब जैसे जैसे सेल मेटाफेज की तरफ मूव करेगी ये कॉम्पैक्ट और होता चला जाएगा, कंडेंस होता चला जाएगा, और फिर ये अपने आप को अरेंज करेगा, सेम वैसा ही है। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो थिन थ्रेड के, सॉरी थ्रेड के फॉर्म में होते हैं लिप्टोटीन में, ओके। इसके बाद लिप्टोटीन के बाद जब जायगोटीन आता है तो वो जायगोटीन का मतलब होता है पेयर्ड थ्रेड, पेयर्ड थ्रेड। यहाँ पर क्या होती है, पेयरिंग हो जाती है। अब ये पेयरिंग किसके बीच में होती है, तो पेयरिंग होती है दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, है ना। देखो इस तरीके से पेयरिंग होती है, जैसे ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, ये पेयर वन, ये हो गया पेयर टू, ये हो गया पेयर थ्री, ऐसे करते 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 23 पेयर्स तक क्रोमोसोम होते हैं, आपको पता है ना, पेयर नंबर 23। तो पेयरिंग होती है यहाँ पर जायगोटिन में किसके बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में। यहाँ देखो इनके बीच में पेयरिंग होती है ऐसे, देख रहे हो यहाँ पर ये पेयरिंग हो रही है, राइट, समझ में आ रहा है। तो जितने भी 46 क्रोमोसोम जो होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, सारे होमोलोगस पेयरिंग क्रोमोसोम्स के बीच में क्या हो जाती है, पेयरिंग, कहाँ पर, जायगोटीन में। इस बात को आप याद रखना, ओके। क्रोमोसोम्स फर्स्ट बिकम विजिबल एज लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, द प्रोसेस ऑफ क्रोमोसोम पेयरिंग इज कॉल्ड साइनेप्सिस। इसको याद रखना, ये जो पेयरिंग का जो प्रोसेस होता है इसको साइनेप्सिस बोला जाता है, ओके। और यहाँ पर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। ये जो पेयरिंग हो रही है इसको क्या बोला जाता है, साइनेप्सिस। और इसको ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है दो होमोलोगस क्रोमोसोम का, इसको बोला जाता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और ये किसके बीच में होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। एट दिस स्टेज क्रोमोसोम्स आर रेफर्ड एज बायवेलेंट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आपको बायवेलेंट और बायवेलेंट का मतलब पता होना चाहिए कि बायवेलेंट स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखो ये है होमोलोगस पेयर, है ना, पेयर में दो क्रोमोसोम होते हैं, ये है फर्स्ट पेयर, ओके, और ये है मान लो सेकेंड पेयर, ऐसे करते करते पूरे 23 पेयर्स होते हैं, आपको पता है। अब यहां पर मैंने क्या बोला कि इनके बीच में क्या हो जाती है, इनके बीच में क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है इस तरीके से, है ना, किस तरीके से, अभी दिखाता हूं मैं आपको, इनके बीच में इस तरीके से पेयरिंग हो जाती है, ओके। तो ये जो पेयरिंग होती है इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बाइवेलेंट स्ट्रक्चर, ओके, क्या बोला जाता है, बाइवेलेंट स्ट्रक्चर। बाइवेलेंट स्ट्रक्चर एक्चुअली में अगर एक एक टर्म होता है बाइवेलेंट और एक होता है टेट्राड, तो बाइवेलेंट सिर्फ इस पोर्शन को बोला जाता है, लेकिन जब आप पूरे स्ट्रक्चर को देखोगे, इस पूरे स्ट्रक्चर को कंबाइन करोगे पीरियड को, तो इसको टेट्राड बोला जाता है, राइट। लेकिन जब सिर्फ
जिनके बीच में पेयरिंग हुई है उनको आप कंसिडर करते हो तो उसको बाइवेलेंट बोला जाता है, बाइवेलेंट। और जब इस पूरे स्ट्रक्चर को आप कंसिडर करते हो तो उसको टेट्राड बोला जाता है, क्योंकि इसमें चार सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, समझ रहे हो इसको, एक दो तीन चार, इसलिए इसको टेट्राड बोला जाता है। लेकिन जब आप सिर्फ उनको उन सिस्टर क्रोमेटिड्स को कंसिडर करते हो जिसके बीच में पेयरिंग होती है तो उसको क्या बोला जाता है, बाइवेलेंट। तो एट दिस स्टेज क्रोमोसोम्स आर रेफर्ड एज बाइवेलेंट स्ट्रक्चर। तो यहां पर बाइवेलेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है किसमें, जाइगोटीन में। ओके, एट द एंड ऑफ जाइगोटीन, जैसे जैसे जाइगोटीन खत्म होने वाला होता है स्टेप, साइनेप्सिस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन ऑल द होमोलोगस क्रोमोसोम। जब जाइगोटीन स्टेज कंप्लीट होने वाला होता है, खत्म होने वाला होता है, तो जितने भी क्रोमोसोम है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, सबके बीच में सारे ही होमोलोगस पेयर के बीच में क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है, साइनेप्सिस फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, तो ये है जाइगोटिन की पहचान। ओके, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है पेकाइटिन या पेचिटिन या पेचाइटिन, जो आपको बोलना है बोलो, ठीक है। अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ढूंढना है तो गूगल पे पेचाइटिन लिखना और लिखना प्रोनाउंसिएशन, देखो क्या प्रोनाउंस करता है, मेरे को भी नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पेचाइटिन में बाइवेलेंट स्ट्रक्चर सीन है ना, दिखेगा ही, क्योंकि इससे पहले बाइवेलेंट स्ट्रक्चर पूरा बन गया था, सारे के सारे क्रोमोसोम जितने भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, उन सबके बीच में क्या हो गई है, उन सबके बीच में क्या हो गई है, पेयरिंग हो गई है ना। ये ऐसे करते करते आपके 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सबके बीच में क्या हो गई है, पेयरिंग हो गई है ना। तो पेचाइटिन में क्या देखोगे, बायोवेलेंट स्ट्रक्चर सीन, सारे क्रोमोसोम बायोवेलेंट की फॉर्म में आ जाते हैं, है ना, पेयरिंग हो जाती है, क्योंकि उसमें द होमोलोगस आर हेल्ड क्लोजली टुगेदर अलोंग देयर लेंथ बाय साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनके बीच में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, है ना, अलोंग द लेंथ। जैसे ये है, अलोंग द लेंथ का मतलब ये है एक होमोलोगस क्रोमोसोम और ये है, ठीक है। तो अलोंग द लेंथ मतलब पूरे के पूरे क्रोमोसोम में, पूरे क्रोमोसोम, पूरा क्रोमोसोम के लेंथ में होमोलोगस पेयरिंग हो जाती है, राइट। इसके बाद देखो फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स विच कंटेन एंजाइमेटिक मशीनरी फॉर द रिकॉम्बिनेशन। अब ये जो पेयरिंग हुई है, जैसे कि ये जो पेयरिंग हुई है क्रोमोसोम की, ये पेयरिंग हुई है क्रोमोसोम की, है ना, तो यहां पर बिल्कुल सेंटर में, सेंटर में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, ताकि क्रॉसिंग ओवर हो सके, क्रॉसिंग ओवर कैन टेक प्लेस, है ना। तो आपको पता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में ही क्रॉसिंग ओवर होता है, और याद रखना कि क्रॉसिंग ओवर मियोसिस फर्स्ट में ही होता है। ओके, तो और वो भी कहां पर, पेचाइटिन में होता है, है ना, तो यहीं पर क्रॉसिंग ओवर होगा, क्योंकि यहां पर क्या हो जाती है, होमोलोगस पेयरिंग, और होमोलोगस पेयरिंग जब होती है, साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जब बनता है, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, और ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स क्या करवाते हैं, क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं, मतलब इसका आधा पोर्शन इधर चला जाता है और इसका आधा पोर्शन इधर, कुछ जीन्स इधर चले जाते हैं, कुछ जीन्स इधर चले जाते हैं, इसी वजह से रिकॉम्बिनेशन हो जाता है और गैमिट्स अलग अलग तरीके दिखने लग जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एट द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जहां बनता है, जिस लोकेशन पर बनेगा, यहां बनेगा तो यहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा, यहां बनेगा तो यहां क्रॉसिंग ओवर होगा, ओके, समझ रहे हो। तो वो किसके बीच में होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, ओके। रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड बाय पेचाइटिन, तो जैसे ही ये स्टेप खत्म होने वाला होगा पेचाइटिन वाला, यहां तक मतलब रिकॉम्बिनेशन हो चुका होगा, डिप्लोटीन में जाने से पहले यहाँ रिकॉम्बिनेशन हो चुका होगा, मतलब ये जो रीअरेंजमेंट है, क्रॉसिंग ओवर है, वो हो चुकी होगी,
जिन एलिन्स को इधर जाना होगा वो उधर चले गए होंगे और जिनको इधर जाना होगा वो इधर आ गए होंगे, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, टेट्राड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो गई है, है ना। क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्रॉसिंग ओवर होगा तो टेट्राड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, है ना। जब ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर तो टेट्राड फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। ये कब होता है, डिप्लोटीन के स्टेज पर, है ना। तो देखो क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन कंटिन्यूज, एक तो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता ही रहता है और ज्यादा कंडेंस होते रहते हैं। दूसरा डिजोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स लीव्स द क्रोमोसोम अटैच टू वन अनदर एट स्पेसिफिक पॉइंट शेप्ड स्ट्रक्चर। डिजोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था इससे पहले वाले स्टेप में कहां पर, पेचाइटीन में, है ना, वो डिजोल्व होने लग जाता है, राइट। और फिर क्या बनता, वहां पर बनता है एक्स साइड एस एक्स शेप स्ट्रक्चर जो कि आप यहां पर देख सकते हो, और उस एक्स शेप स्ट्रक्चर को बोला जाता है कियास्मेटा। और अगर सिंगुलर बात करें मतलब अगर एक कियास्मेटा फॉर्मेशन हो तो उसको कियास्मा बोला जाता है, राइट। तो अगर आप एक्चुअल कियास्मा का स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है इस तरीके से, ओके, इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखा दिया। ये देखो कियास्मा फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखो कियास्मा फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस क्योंकि ये क्रॉसिंग ओवर यहां पर हो रहा है, राइट। ओके, तो अब कियास्मा इज लोकेटेड वेयर क्रॉसिंग ओवर हैड प्रीवियसली टेकन प्लेस। क्रॉसिंग ओवर कौन से स्टेज पे हुआ था, एचआईटीन पर, यहां पर हुआ था। तो जहां पर जिस लोकेशन पर क्रॉसिंग ओवर होता है उसी लोकेशन पर कियास्माटा देखने को मिलता है, याद रखना। कियास्माटा इज लोकेटेड वेयर क्रॉसिंग ओवर हैड प्रीवियसली टेकन प्लेस, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा वहीं कियास्मा देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कियास्माटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एज द कोवेलेंट जंक्शन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ओके, जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, पेयरिंग किसके बीच में होती, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, है ना। तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जैसे एक होमोलोगस क्रोमोसोम तो ये हो गया, एक होमोलोगस क्रोमोसोम ये हो गया, तो एक एक सिंगल होमोलोगस एक सिंगल क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स को सिस्टर क्रोमेटिड बोला जाता है। लेकिन जब दो अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं, चाहे वो होमोलोगस ही क्यों ना हो, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है दोनों, लेकिन ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड क्या होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। ओके, तो इनके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होता है ये तो यहां पे कियास्मा फॉर्मेशन होता है, एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है। तो यही है कियास्माटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एज द कोवेलेंट जंक्शन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है वो होता है डाई काइनेसिस। तो डाई काइनेसिस में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब जो पेयरिंग हुई थी होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, पेयरिंग क्यों हुई थी होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, ताकि क्रॉसिंग ओवर हो सके, रिकॉम्बिनेशन हो सके, है ना। अब रिकॉम्बिनेशन हो गया, अब क्या होगा, अब उन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को अलग होना है, है ना। क्योंकि मियोसिस वन में क्या होता है, मियोसिस वन में तो दो होमोलोगस क्रोमोसोम ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक क्रोमोसोम अलग सेल में, एक क्रोमोसोम अलग सेल में, है ना। तो उसके लिए इन दोनों क्रोमोसोम को क्या होना होगा, सेपरेट होना होगा। इन दोनों क्रोमोसोम के बीच में जो पेयरिंग हुई थी, अब ये पेयरिंग तो खत्म हो गई, अब ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो वही होता है डाई काइनेसिस में, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स अटेन्स मैक्सिमम कंडेंसेशन, मैक्सिमम कंडेंसेशन हो जाता है यहां पर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट याद रखने के लिए। कियास्माटा मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, कहने का मतलब यह है इसका कि जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है, ओके, और ऐसे कियास्माटा फॉर्मेशन हुआ था मान लो,
तो जब डायकाइनेसिस होता है, कियासमाटा फॉर्मेशन कहाँ होता, डिप्लोटीन में, जब डायकाइनेसिस स्टेप आता है तो ये जो कियासमाटा फॉर्मेशन है ये बिल्कुल एंड पर चला जाता है, कियासमाटा मूव्स टुवर्ड द एंड ऑफ द क्रोमोसोम। ओके, क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो पेयरिंग थी वो अब हटनी है, इनको सेपरेट होना है। ओके, एट द एंड ऑफ डायकाइनेसिस, जैसे जैसे डायकाइनेसिस खत्म होता है, माइटोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड। अब माइटोटिक स्पिंडल असेंबल होने लग जाते हैं, क्यों? क्योंकि मेटाफेज की स्टेज आने वाली है ना, एंड क्रोमोसोम्स आर रेडी टू बी सेपरेटेड। डायकाइनेसिस एंड्स विद द डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस। जब डायकाइनेसिस खत्म होता है यहां पर, तो इस स्टेप पर न्यूक्लियोलस डिसअसेंबल डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाती है। ओके, एंड द मूवमेंट ऑफ टेट्रार्ड्स टू द मेटाफेसिक प्लेट। ये जो टेट्रार्ड बना था, वो मेटाफेस की प्लेट की तरफ मूव करने लग जाते हैं। ये जो टेट्रार्ड है, ये ऐसे, ये होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, पेयर नंबर वन। वैसे ही पेयर नंबर टू, वैसे ही पेयर नंबर थ्री, ये सारे सारे मेटाफेस के प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। कैसे अरेंज होते हैं अभी आपको पता है, 23 पेयर्स, सारे के सारे होमोलोगस पेयरिंग है, होमोलोगस क्रोमोसोम के जो पेयर्स हैं वो मेटाफेस की प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। ओके, बात होती है मियोसिस फर्स्ट का, जब प्रोफेस कंप्लीट हो जाता है, डायकाइनेसिस सबसे कंप्लीट होता है प्रोफेस वन, है ना, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। इंटरफेस से जब कंपेयर करोगे तो प्रोफेस वन आते आते कंप्लीट होते होते स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम है, इनके बीच में पेयरिंग कियासमाटा फॉर्मेशन होता है क्रॉसिंग ओवर होने के लिए, राइट। अब प्रोफेस वन खत्म हो चुका है, अब ये सेल एंटर करेगी मेटाफेस में। तो सेम वैसे ही है, मेटाफेस में क्या होगा कि जो टेट्राड है, जो होमोलोगस पेयर का ऑफ क्रोमोजोम है, वो अरेंज हो जाएगा कहां पर, एकदम सेंटर में, राइट। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, एनाफेस वन। तो एनाफेस वन में क्या होगा कि अब ये होमोलोगस क्रोमोजोम देखो सेपरेट होने लग गए, और ये देखो इसका कुछ रीजन इस वाले क्रोमोजोम में चला गया, और ये कब हुआ होगा, क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा। देखो ये रीजन और ये रीजन, ये रेड वाला पोर्शन इस तरफ आ गया है और इसका वायलेट वाला पोर्शन इस तरफ आ गया है। ये कब हुआ था, ये यहां पर हुआ था पेकाइटिन में, है ना। अब क्या हुआ कि इस वाले स्टेप पर, एनाफेस के स्टेप पर, ये और ये जो कि होमोलोगस क्रोमोजोम थे, अब ये अलग अलग हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोजोम ही तो सेपरेट होते हैं, ये और ये अलग अलग हो रहे हैं, राइट। इसके बाद आता है, हाँ, तो यहाँ पर देखो सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ पर, एनाफेस वन में। इसी को बोला जाता है रिडक्शन डिवीजन। इसके बाद हम बात करेंगे टीलोफेस वन की, जिसमें देखो बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स पर होमोलोगस क्रोमोसोम चले जाते हैं, तो 23 क्रोमोसोम इधर आ गए, 23 क्रोमोसोम इधर आ गए। जब ये 23 और ये 23 एक साथ थे यहाँ पर, तो 46 क्रोमोसोम थे, मतलब 23 पेयर्स थे, है ना, हर एक पेयर में 2 क्रोमोसोम, राइट। अब यहां टीलोफेस आते आते ये क्रोमोसोम इधर और ये क्रोमोसोम इधर, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से मियोसिस वन में किसका सेपरेशन होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का। अब मियोसिस वन खत्म हो चुका है, राइट। तो अब देखो स्टार्ट होगा मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस सेकेंड में क्या होगा, मियोसिस सेकेंड में होता है प्रोफेस सेकेंड। अब देखो मियोसिस सेकेंड जब होता है, मतलब मियोसिस वन होते होते क्या होगा, ये सेल डिवाइड हो गई, देख रहे हो, एक दो डॉटर सेल्स में, इधर भी 23 पेयर ऑफ 23 क्रोमोसोम होंगे, इधर भी 23 क्रोमोसोम होंगे। ओके, अब देखो यहां पर 23 क्रोमोसोम जो है वो इस तरीके से है, वन टू थ्री फोर, ये मैं इस सेल की बात कर रहा हूं, और इस सेल में भी इस तरीके से क्रोमोसोम होंगे, 1 2 3 4 ऐसे कर करते 23 तक,
और यहाँ पे भी 23 तक, राइट। क्यों? क्योंकि हर एक पेयर में से एक क्रोमोजोम इधर आया है, एक क्रोमोजोम इधर आया है, एक क्रोमोजोम इधर आया है, एक क्रोमोजोम इधर आया है। कहने का मतलब एक सेट इधर आया है और एक सेट इधर आया है, कब? मियोसिस वन में। अब देखो जो आधे आधे सेट डिवाइड हुए हैं, अब क्या होगा, इनका फर्दर डिवीजन होगा। तो प्रोफेज सेकंड में, प्रोफेज सेकंड बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है, तो कुछ नहीं। अब यहां पे क्या होगा, मेटाफेज सेकंड होगा, तो ये सारे क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे बिल्कुल मेटाफेसिक प्लेट पर, राइट। फिर क्या होगा कि अब यहां पर सेपरेशन होगा सिस्टर क्रोमेटिड्स का। ये जो क्रोमोसोम है इसके सिस्टर क्रोमेटिड्स देखो सेपरेट हो गए, एक सिस्टर क्रोमेटिड ये, एक सिस्टर क्रोमेटिड ये, एक ये, राइट। सिमिलर टू माइटोसिस, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसके बाद बात करेंगे टीलोफेस की, तो टीलोफेस में क्या होगा, बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स पर आ जाएंगे, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होना शुरू हो जाएगा, गोल्जी बॉडी अपीयर होना शुरू हो जाएगा, है ना। और फिर फाइनली साइटोकाइनेसिस होगा, और देखो आपको यहाँ पर चार सेल्स मिल गई, और सारी की सारी कैसी है, हैप्लॉइड सेल्स। तो इसमें भी 23 क्रोमोसोम, इसमें भी 23 क्रोमोसोम, इसमें भी 23, इसमें भी 23, एन 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 एन। तो इस तरीके से मियोसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको माइटोसिस मियोसिस में अब डिफरेंस पता चल गया होगा, मियोसिस में मियोसिस वन और मियोसिस सेकंड कैसे होता है पता चल गया होगा, है ना। तो अब हम आज के लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन ए हेटरोजाइगस इंडिविजुअल फॉर ए गिवन जीन, इफ ए क्रॉसिंग ओवर हैज अकर्ड बिटवीन जीन लोकस एंड द सेंट्रोमियर। जैसे मान लो ये है, ये क्रॉसिंग ओवर हुआ है, मान लो ये जीन का लोकस है, ओके, और ये सेंट्रोमियर है, ये जीन की बात कर रहे हैं मान लो, और कहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हैज अकर्ड बिटवीन जीन लोकस, ये जीन लोकस और सेंट्रोमियर के बीच में, इस सेंट्रोमियर के बीच में यहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है। द सेग्रीगेशन ऑफ टू अलील्स ऑफ द गिवन जीन विल अकर ड्यूरिंग मियोसिस एट, जो अलील्स हैं इस जीन के, जो अलील्स है उसका सेग्रीगेशन कहां पर होगा, है ना। तो उसका सेग्रीगेशन कहां होगा, देखो उसका सेग्रीगेशन होगा एनाफेस सेकंड में, अलील्स का। अलील्स किसको बोलते हैं, अलील्स बोलते हैं कि ये और ये, इस पे जो है एक फैक्टर, इस पे एक फैक्टर, ओके, एक फैक्टर इस पे, एक फैक्टर इस पे। देखो ये क्रॉसिंग ओवर तो हो गया, ओके, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद चलो मान लो इसको अलग कलर से हम बना देते हैं, इस वाले क्रोमोसोम को अलग कलर से बना देते हैं, ओके। और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या हुआ कि क्रॉसिंग ओवर होने के बाद कुछ इस तरीके से बना होगा, है ना। इसका रीजन ऊपर चला गया और इस वाले क्रोमोसोम का रीजन नीचे आ गया, राइट। अब अलील्स जो होते हैं वो अलील्स कहाँ पे अरेंज्ड होते हैं, तो एक अलील यहाँ होता है, एक अलील यहाँ होता है, एक अलील यहाँ होता है, एक अलील यहाँ होता है। तो एनाफेस वन में तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, एनाफेस वन में तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, ओके। लेकिन एनाफेस सेकंड में ये जो क्रोमोसोम है इसके दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे, जैसे कि ये जो क्रोमोसोम है इसके दोनों सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। तो जो एलील्स यहाँ थे और ये एक एलील जो यहाँ था, ये दोनों आपस में सेपरेट हो गए। तो जब सेपरेशन ऑफ एलील्स की बात की जाएगी तो वो एनाफेस सेकंड में ही सेपरेट होगा, ओके। क्यों? क्योंकि एनाफेस वन में सेपरेशन होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का,
एलील्स का सेपरेशन नहीं होता। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बोल रहा है कि स्टेटमेंट गिवन बिलो आर इधर ट्रू और फॉल्स, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, है ना। पी स्टेटमेंट क्या है, माइटोसिस अकर्स एक्सक्लूसिवली इन डिप्लॉयड सेल, माइटोसिस अकर बोथ इन डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड मदर सेल, मियोसिस अकर्स एक्सक्लूसिवली इन डिप्लॉयड मदर सेल, मियोसिस अकर बोथ इन डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड मदर सेल। तो देखो इसमें हमें बताना सही कौन सा है गलत कौन सा है। तो माइटोसिस जो होता है वो डिप्लॉयड में भी होता है और हैप्लॉयड में भी, याद करने की कोशिश करो। माइटोसिस प्रोसेस जो होता है डिप्लॉयड सेल, इससे जो दो सेल बनती है उसमें भी टू एन रहता है जो माइटोसिस होता है ना, इक्विटेशनल डिवीजन, तो डिप्लॉयड सेल में भी हो रहा है। और जब मियोसिस होता है, मियोसिस के टाइम पर जब टू एन से दो सेल बनती हैं हैप्लॉयड सेल्स, ये कैसी है हैप्लॉयड सेल, इसमें भी माइटोसिस होता है और इक्विटेशनल डिवीजन होता है। तो यहां पर भी तो एक तरीके से माइटोसिस ही हो रहा है। तो माइटोसिस अकर्स बोथ इन डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड मदर सेल, ये बात आप याद रखना। तो ये तो ट्रू होगा राइट, माइटोसिस अकर एक्सक्लूसिवली इन डिप्लॉयड सेल, ये तो फॉल्स होगा। मियोसिस अकर एक्सक्लूसिवली इन डिप्लॉयड मदर सेल, मियोसिस हमेशा डिप्लॉयड मदर सेल में ही होगा। ओके, तो ये भी ट्रू है क्योंकि मियोसिस तो हमेशा इसी में होता है, जब 2n होगा तो उससे ही तो 4n बनेंगे आपके, है ना। n से तो 4n वाले सेल नहीं बन सकते, मतलब ऑलरेडी हैप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल नहीं बन सकते मियोसिस में। तो मियोसिस ऑलवेज अकर एक्सक्लूसिवली इन डिप्लॉयड मदर सेल, है ना। तो ये भी ट्रू हो गया। इसके बाद जो लास्ट स्टेटमेंट है, ये तो फॉल्स था, ये ट्रू था। मियोसिस अकर बोथ इन डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड, तो ये भी फॉल्स हो गया। मियोसिस हमेशा डिप्लॉयड में होता है, है ना, याद रखना। तो यहाँ पर माइटोसिस कैन टेक प्लेस इन ईदर हैप्लॉयड और डिप्लॉयड सेल्स, हैप्लॉयड माइटोटिक सेल्स आर फाउंड इन फंजाई प्लांट गैमेटोफाइट एंड फ्यू एनिमल्स, ओके, इंक्लूडिंग मेल बी नोन एज ड्रोन्स, राइट। तो ये इसका आंसर कौन सा होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द इवेंट दैट एक्सक्लूसिवली अकर्स इन मियोटिक सेल डिवीजन, मियोटिक सेल डिवीजन मतलब मियोसिस की बात हो रही है। तो देखो क्रोमेटिड फॉर्मेशन तो नहीं होता यहाँ पे ऐसा कुछ, स्पिंडल फॉर्मेशन तो मियोसिस में भी होता है, माइटोसिस में भी होता है। साइनेप्सिस मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग, वो सिर्फ मियोसिस में ही होती है क्योंकि मियोसिस में ही क्रॉसिंग ओवर होता है, माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। तो इसका आंसर होगा सी। क्रोमोसोम मूवमेंट टू पोल, वो तो माइटोसिस में भी होता है मियोसिस में भी होता है, तो इसका आंसर सी होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेसेस ऑफ सेल साइकिल द ड्रग कोल्चिसिन एक्सर्ट्स इट्स इफेक्ट। देखो कोल्चिसिन को यूज करते हैं सेल की प्लॉयडी लेवल को बढ़ाने के लिए, जैसे प्लांट्स में आपने पढ़ा होगा पॉलीप्लॉयड प्लांट्स बनाते हैं, है ना, तो वहां कोल्चिसिन का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब मेटाफेज की कंडीशन में होती है सेल, है ना, मेटाफेज की कंडीशन में जब सेल होती है इस तरीके से, तो क्या होता है कि वहां पर कोल्चिसिन ऐड कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि ये क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते और सेल के अंदर का जो प्लॉयडी लेवल है वो बढ़ जाता है। मतलब जैसे मान लो कि 46 क्रोमोसोम से 92 क्रोमोसोम हुए मेटाफेस में, ओके, और अब मेटाफोस में इन क्रोमोसोम का सेपरेट होना है, लेकिन कोल्चिसिन ट्रीटमेंट कर दिया, अब ये सेपरेट ही नहीं हो पाएंगे, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, जो कोल्चिसिन होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को इनहिबिट करता है, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स की एक्टिविटी को रोक देता है, जिसकी वजह से उनका मूवमेंट रुक जाता है और ये इनका सेपरेशन नहीं हो पाता। तो वो एम फेस इसका आंसर होगा, एम फेस मेटाफेस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस ऑफ द सेल साइकिल ड्रग कोल्चिसिन एक्सर्ट्स इट्स अफेक्ट, राइट, मेटाफेस में दिया जाता है। इन ए टिपिकल माइटोटिक सेल डिविजन साइकिल इन यूकैरियोट्स एम फेस अकर्स इमिडिएटली आफ्टर, तो सिंपल है, एम फेस का बात है। देखो यहां बना के देख लो, जी वन एस जी टू
एम, तो जी टू फेज के बाद क्या आता है, एम फेज आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, जी टू फेज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सेल साइकिल माइटोसिस अकर्स बिटवीन, अकर्स बिटवीन, तो देखो बना के देख लो, जी वन एस जी टू एम, तो एम फेज कब आ रहा है, जी वन और जी टू के फेज के बीच में, तो जी वन एंड जी टू, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। ओके इन द सेल साइकिल माइटोसिस अकर्स बिटवीन जी वन एस जी टू एम, है ना, तो जी वन और जी टू के फेस में, जी वन जी टू के बीच में आता है आपका माइटोसिस। ओके इसके बाद द बेसिस ऑफ द बेसिस फॉर द ब्लॉकिंग एक्शन ऑफ द एल्कोइड कोल्चिसिनोल सेल डिवीजन इज, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, एम फेस, मेटाफेस। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, है ना। आज की वीडियो की खास बात ये थी कि वीडियो के साथ साथ, लेक्चर के साथ साथ आपको नोट्स भी एक तरीके से मिल गए, है ना, क्योंकि मैंने कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन रखने की, है ना, ताकि आपको इसके लिए अलग से कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ओके तो मैंने पूरी कोशिश की थी कंटेंट को अच्छा बनाने की। आपको कंटेंट कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करिए, और अपने ग्रुप में, अपने सर्कल में, जूनियर सीनियर्स सबके साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपने कॉलेज में सेल डिवीजन या सेल साइकिल पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में है, उन सबको इस वीडियो से बेनिफिट मिले, राइट। तो आशा करता हूँ आप करेंगे शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहो, ख्याल रखो, थैंक यू सो मच।